ऐसा लगता है हमारी जीत हो गई, बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियां चोर। मतलब मियां की बात सुनो। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था लोग, क्यों तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था, और है ना मेरे पापा दादा मेरे दादा को बचाने गए ना तो मेरे पापा की डोंगी कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था, औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था आपके सामने। हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा काट करके काटा था, और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। गौरव यात्रा गौरव यात्रा देश की बड़ी यात्रा
गुजरात। तो किस चीज़ का गौरव मना रहे हैं? मतलब गुजरात, गुजरात का वो छोकरा ना मोटा बजा बड़ी को अपना मात्र सभी ऐसे है कि सभी देखो के हिंदू समाज के लिए ठीक है और गौ धन का थोड़ा वो होता है वो भी हो जाए। जो पार्टी ने जो काम किया है उसका जो प्रदर्शन करते हैं, तो पार्टी की जो कारकिर्दी काम किया है जो पार्टी ने का समझ है। आइए दिखा देना, यहाँ थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी जी की रथ यात्रा आने वाली है। थोड़ी देर के बाद नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा आने वाली है। अपनी गौरव यात्रा के लिए आए क्यों? नरेंद्र मोदी की यात्रा आने वाली है इसलिए मैं खड़ा हूँ। गौरव यात्रा क्यों हो रही है कुछ पता? गुजरात गौरव यात्रा अपनी गुजरात अकबर गुजरात। ये गौरव यात्रा क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? ये तो सही ढंग से तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये गुजरात में उनकी कामगिरी जो अच्छी हुई है ये नाम है गौरव यात्रा निकलने वाली। तो आप स्कूल में टीचर हैं? हाँ। तो बच्चों की छुट्टी करा दी आपने? नहीं, स्वागत तो, के लिए स्वागत तो सब क्या करे अब। गुजरात गौरव यात्रा में ताड़ी तमारा कांग्रेस ना मित्रों पूछे हमने शेनु गौरव एमने जरा पूछू के शानु गौरव मैं कोई भाई तो मारा माटे आ गौरव यात्रा काढ़ी खूब जरूरी है। आज तो इतनो समय छे कि आपने गुजरात में इतने हुल्लड़ करवा वाला आपने गुजरात में इतने सत्ता लेने फरवा वाला आपने गुजरात में इतने लूटफाट करना रहा आ गुजरात नी आबरू ने खत्म करवानो एक निश्चित प्रकार नो प्रयास चाली रहो अने एनी सामे भारतीय जनता पार्टी ए एक बीड़ू उठाव्यु छे। लोको गुजरात ने बदनाम करवा माटे लाख कोशिश करे परंतु गुजरात ने साची बात डंका ने चोट पर दुनिया ने केवड़ों में निर्धार करो छे। गोधरा 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43 हजार से भी ज्यादा लोगों की एक प्रबल भीड़ विवेकहीन दंगाई
एक साथ गोधरा स्टेशन में साबरमती एक्सप्रेस पर टूट पड़े। बच्चे, 20 पुरुष निर्दयता से जिंदा जला दिए गए। अट्ठावन लूट लाशें, नर में निहित पशुता का जैसे एक और सबूत पेश कर रही थी। पशुता जिसके शिकार प्रायः मासूम बच्चे और औरतें ही हुआ करते हैं। जनमानस और गुजरात की सरकार के लिए गोधरा और इसके बाद की घटनाएं एक और अग्नि परीक्षा बन गई। अग्नि परीक्षा चला है इससे कोबड़े भाई इसके उनको मार डाला मतलब उनको पता नहीं है और उसकी मां का भी पता अभी चला है कि उसकी मां का हाथ काट डाला और सिविल में तारीख हमारे देहलोल गांव में 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला भूख गया था, हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला है। 10:30 बजे ने 5000 के टोले आए। इधर से 5000 का टोला, इधर से टोला है, हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लग से भाई, कुछ जवाब नहीं। ये गली में से वो गली में सब सब घुस गए। और ऐसे पगे बांधने लगे, चड्डे पहनने लगे, तलवारें ले गए लगे। मार के थे जान खा के थे, हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बादली थी उनकी, बादली जर्सी और मुँह बंधा हुआ था। किसी के लंबे टीले थे, किसी ने ऐसा मुँह बंधा हुआ था, हिंदुओं ने किए। हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया तो भाई। आपने देखा कि हिंदुओं ने जलाया? हाँ मैंने देखा, मैं सीताबेन बोल रही हूँ, मैंने देखा देखा देखा। चाहे जाए उसमें फोटो में दे देना, मार डाल के मर जाऊंगा। कैसे टोले? अरे आपको क्या ख्याल आएगा, गांवों में चिट्ठियां बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो मिनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गांवों में से ट्रक भर भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो, यहाँ मियाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर। तलवार आती सूल भद्रन दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे। सिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी, फिर जब हमारे घर जला है ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जला है। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ गैस सिलेंडर के बाटले भी थे, पूरे पूरे हथियारों के समेत अच्छे अच्छे हथियार लेके आए थे बड़े, जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, सबके हाथ मोबाइल, एक हाथ में तलवार थी एक हाथ में मोबाइल थी। तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। त्रिशूल मारते बना के छोड़ते सामने आगे, क्या करेगा इंसान,
किस तरह जान बचावे? बच्चे वो खेल करता है ना, ऐसे दूर रह रहे त्रिशूल मारते थे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया, पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रहते हमारे को यूं कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है शहर कोटा पुलिस स्टेशन। इस तरह भेड़ बकरियों को चकरा चलाते हैं, माँ भी हमारा पुलिस ने गोली चलाई है और हमारे सब जवान छोकरों पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा, एक पब्लिक ने मारा। देखो ये छोकरे को, ये छोकरे को देखो, किसको मारा? पुलिस को मारा, पुलिस वाले आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और चला चला गया हमारी भेड़ बेटियों को मारे। फायरिंग चालू है। सामना करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे, वो तो औरत जाति का सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ हथियार के साथ। बारह घंटे की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में आठ छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी। दूसरे दिन, तीसरे दिन आया 2 मार्च को, तो देखा टोटल लॉस था मकान, बारी में से देखा तो दागीने थे उनके चांदी के, वो जले हुए थे और ये पैसों की जब गड्डियाँ वो खींचने लगी तो मैं बोला ये क्या, बोले ये मेरे पैसे थे। मैंने उनको गुस्से में लाफा मारा क्योंकि उनको ऐसे टाइम में भी हमको बताना नहीं चाहिए था कि पैसे हमारे पास पड़े। 17,650 रुपये बचे थे उनके पास, वो रखे हुए थे, ये मुझे मालूम होता तो शायद पैसे जेब में डाल के निकल जाते। अब जितने बचे थे इसमें टुकड़े और ये बंडल जैसे वो टिफिन में रख के ले गए। अभी भी आपने इसको एकदम सहेज के रखा हुआ है? हाँ, क्या करूँ, अब ये गम है मेरे लिए, इसे देखूँ और जीता रहूँ। क्या करे, बचता रहते लाए, उधार सुधार करके लाए, पैसे वैसे नहीं मिले, करना का क्या, हम बहुत पछता रहे। किस बात पे पछता रहे? चीजें जल गई धंधे करने की, और माल जल गया 9,000 का पाइनएप्पल, करने का क्या। हमारे साथ जो चालू हुआ है वो हमारा दिल जलता है, हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। कौन बताए, किससे पूछे, सब तो है, इंसान कहाँ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है, आज भी कल के जैसा क्यों है। अरे कौन बताए, किससे पूछे, सब तो है, इंसान कहाँ है, जले हुए ये घर किसके हैं, कटे हुए ये सर किसके हैं, नैजे और खंजर किसके हैं, ये खूनी मंजर किसके हैं। पीछे मकान है उनका दामाद, 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था, फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला कि पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ रगड़ के, वो जगह वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर।
कौन बताए किससे पूछे, सब तो है इंसान कहाँ है, धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ, अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ, कौन बताए किससे पूछे, सब तो है इंसान कहाँ है। हम कोई जानते नहीं थे कि यहाँ तूफान होगा अपने गांव में, क्या हमारे सामने हमारे बोरे की दुकान था, वो दुकान को लूटा और जलाया, फिर वहाँ से राम बोलो जलाओ काटो मारो जलाओ, दारू पिला दिया फूल, दारू में वो फूल कर दिए लोग। कुदरत की करना ऐसा है कि हम लोग दरी के अंदर चले गए और रात हो गया, हम लोग हाथ नहीं आए, नहीं तो हमको मार डालते जान से। एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे था, एक एक पब्लिक सर्वनाश कर दिया हमारे काम। कितने घर ताले फूट लिए, सब नब खोदवा लिया, कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पागल होके चला गया, और आइए तो किड़िया के बच के तो यहाँ आ गए। दिन दिन की भूखे प्यासे पानी पिलाओ, वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए, छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े नीचे फेंके, ये सब आग तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले, मेरे को अभी आग खुल जाएगी तो यही नजर पर पड़ता है। पूरा खत्म खत्म कर दिया सब, आज तक से भला कौन परेशान नहीं है, जो इसमें मुलविस है वो इंसान नहीं है, जब तक के वजूहात मिटाए नहीं जाते हल हो सके ये मसला कोई इम्कान नहीं है, किसने इसे पैदा किया और परवान चढ़ी क्यों, है कौन शख्स इसका जिसे ज्ञान नहीं है, किया कत्लो गारत खूब की खूब तबाही, अरे मजलूम मुसलमान क्या इंसान नहीं है। ग्यारह बजे ये चालू कर दिया, टोला यहाँ पे आ गया, ये टोरम तोड़ी कर रहा था, इतने में फिर दूसरे वहाँ से वहाँ आए, दोनों बाजू से घेर लिया। अभी ये मकान की हालत कर रही है, एक एक देख रही है वहाँ आगे, एक ही घर में चार इंसान को जला दिया। फजर के 8 बजे के 9 बजे के चाट पिए ली, बच्चे रोते थे खाने वास्ते, ऐसे बच्चे तो ना डर गए बच्चे, अभी हमारे वहाँ गुडुरात का कहेगा अम्मी बम फूटा चुप हो जा, बच्चे डर गए। गुजरात अशांत छे, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે, ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે, તમારા બધા કિસાન છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે બહાર જાય કે ગુજરાતીઓ કિસાનમાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, હામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી, આવું આવું કે ગુજરાતની આંદોલન નિલામ કરી નાખ્યું, ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે, મને ઇડરના નાગરિકો કે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત તો ગુજરાતમાં ક્યાંય કાંકરી પડી હોત, જરા જોરથી બોલો, ગુજરાતની દુર્દશાનું કારણ ગોધરાના નિર્દોષ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારવાના। सेवा में हमने भगवान ध्वज लहराया था, भगवान ध्वज लहराया था।
का कार्यकर्ता हूँ। बराबर है, हम तो यहाँ से ट्रेन में गए हुए थे, जाते वक्त तो अच्छी तरह शांति से गए, वहाँ जाके राम जी के दर्शन किए। कौन सी तारीख को निकले थे यहाँ से? 22 तारीख को निकले थे यहाँ से। विश्वेंद्र परिषद वालों ने ऐसे श्री राम जय राम की जो माला थी उसके अंदर माला यहाँ के अयोध्या में हवन होगा, आहुति देनी है, उसके लिए सब कुछ था। तो हम लोग आहुति देने के लिए गए थे, जिसने माला की हुई थी। आपने की थी? हाँ, ऐसे गिनने जाओ तो यहाँ से 18 लोग थे। टिकट वगैरह सब परिषद ने बुक किया? तो परिषद ने किया था सब कुछ, ऐसे आइडेंटिफाई कार्ड भी हमको दिया हुआ था जिसमें परिषद ने। जब आप अयोध्या से दर्शन करके निकले 26 तारीख को, S6 में कितने लोग थे? 200 तो होंगे। और जब ट्रेन गोधरा पहुंची, क्योंकि क्या मैं S6 में था बराबर, जब मैं आके राम लला की धुन के लिए हम लोग फिर रहे थे, धुन बुला रहे थे, ट्रेन के अंदर भी चल रही थी फिर भी हम लोग तो ट्रेन के अंदर धुन बुलाते थे। धुन मतलब राम लला की धुन, ऐसे कि श्री राम जय राम जय जय राम। गुजरात स्टेशन गाड़ी रुकी तो हम लोग सुबह सुबह में सुबह का टाइम था, चाय नाश्ता करने के नीचे उतरे थे। क्या वहाँ मगजमारी हो गई? क्या मगजमारी? कुछ वहाँ तो हम लोग श्री राम जय जय राम का नारा बुला रहे थे, वहाँ एक इंसान कुछ बोला, उसमें उसको काफ़ी लोगों ने उसको हाथ सफाई किया और उसको छोड़ दिया। वहाँ वही इंसान ने कम से कम 500 से 600 इंसान को वहाँ से पत्थर मारा करवाया था, वहाँ से पत्थर मारा करवाया क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं रहेगी, इसलिए लेडीज़ को मेटल लग रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी लोग को अंदर करवाया। तो अपनी तरफ से कुछ बचाव की कोशिश नहीं की? काफ़ी लोगों ने, क्योंकि क्या है वहाँ जब पत्थर मारा हुआ तो सामने कोई भी पत्थर मारा तो कर ही देगा। बाद में जब गाड़ी चली सब लोग चढ़ गए हुए थे, बाद में जब थोड़ी गाड़ी आगे चली तब कम से कम 2 से 2.5 हज़ार का उनका टोला पत्थर मारा करता है, उनके पास सब तरह की चीज़ थी, जैसे सोलवेंट है, पेट्रोल है, बॉम्ब, जैसे बोतल में बम आते हैं ना वो काकड़े, ये आप लोग। बाद में हम लोग दूसरे साइड नीचे उतरे वो साइड में, क्योंकि हम लोग को पहले मालूम नहीं था S6 में आग लगी है, क्योंकि हम लोग अंदर थे। तो जो ट्रेन के बीच में जो दो डब्बों के बीच में जो रास्ता होता है उसको भी बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि क्या वो जो रास्ता खुला रहता तो वो लोग अंदर चढ़ सकते थे और अंदर कापा कापी हो सकती थी, आवाज़ तो सब डिब्बे में से आ रही थी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। तो अपने S6 के लोगों की मदद करने की कोशिश भी की? S6 में आगे ऐसी भड़क चुकी थी क्योंकि वो रिजर्वेशन वाला डब्बा था, एकदम फोम की गाड़ी वाला, तो इसलिए आग बहुत भड़क चुकी थी। कितने आहुति हो गए? ये तो 58 का आंकड़ा बता रहे, ज़्यादा आंकड़ा होगा, ये तो खाली विश्वेंद्र परिषद का आंकड़ा बता रहे, रिजर्वेशन वाले का आंकड़ा कहाँ बता रहे हैं, उल्लू बनाने की बात कर रहे हैं ये सब। मैं बोल रहा हूँ कि आपसे बात किया नहीं तो ये बात भी मैं दोहराता ही नहीं किसी से, कोई भी खासा क्यों भगवान आके क्यों ना बोले क्या हुआ था बेटा, क्योंकि अपने कोई मेरे को पूछोगा तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं आप उतने आओगे नहीं और कोई मेरे घर की देख रेख करने के लिए आएंगे, नहीं अभी विश्वेंद्र परिषद वाले भी आएंगे, कोई नहीं आएगा। के साथ वह आज भी प्रस्तुत है।
8 बजे सिग्नल फरिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूंछ थी। रावण की लंका कहां थी? वह असारवा में थी, नरवा पाटिया में थी, संदासपुरा में थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, आलोन में आए थे, कालोन में आए थे, सरदारपुरा में गए थे और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र नू बैरामपुरा प्रखंड आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बैरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते। यानी यहाँ दंगाई लोग यहाँ पर इनका क्या पता गढ़ है या क्या है, आप देख लीजिए पूरे झंडे लगाए। तो हम लोगों को जो कॉल मिलते थे वहाँ पर हम जो पेशेंट और जो या इंजर्ड को लेकर जाना जाते थे हॉस्पिटल के लिए तो हमको जगह जगह रोका जाता था। सिर्फ इसलिए सबकी नज़र से देखा जाता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुस्लिम, वो दंगाइयों को तो रोकते नहीं लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है एसआरपी का और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते हैं। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर ये और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय सिया राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है तो ये पेशेंट जितना लेट पहुँचेगा हॉस्पिटल में हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की जो मानवता की जो बात होती है वो भी मतलब इस बार पुलिस में नज़र नहीं आई हमें। ये रास्ते से हम लोग BS हॉस्पिटल जाते थे, ये हॉस्पिटल पे जाने से ज़्यादा हमको फ़ायदा यही है कि इधर लेफ्ट साइड में जो पूरी आबादी है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी के लोग हैं। BS वाड़ीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल के नाम से है जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये सीधा कैजुअलिटी की तरफ जाएगा। कितने लोगों को लेकर आए हम लोग यहाँ? कम से कम 500 के ऐसे 500 से 700 पेशेंट। कई डॉक्टर्स ऐसे थे मतलब जिन्होंने जिनका रोल जो उनकी एटीट्यूड सही नहीं लगी। अब उसको ये एहसास ही नहीं कि इसका जो ब्लीडिंग होता है इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि दूसरा काम छोड़ के पहले उसको रोका जाए ताकि उसका खून कम बहे तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन वो इतने इत्मीनान से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेगलिजेंस की वजह से, बिल्कुल नेगलिजेंस की वजह से। मैं तो ये मानता हूँ कि काफी अगर इसको अगर अपने इसका स्टडी करें इसका सर्वे करें हम लोग तो काफ़ी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी हुई होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ जस्ट जाइए जस्ट मिनट हाँ तो इलेक्शन पूरतू से आ जनरल क्या क्या हॉस्पिटलों से शू है बधु देखिए सॉरी हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा से। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते। ये सब नया बना है, जहाँ जहाँ दिख रहा है सब नया बना है, सब चला दिया था। अभी कुछ लोग रह रहे कुछ आए नहीं आए पता नहीं, पूरा नया बना है, ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। ये मुस्लिम इलाका है, पूरे के पूरे मकान जला दिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो मुस्लिम एरिया काफ़ी दूर है, फिर भी जो दंगा होता था बम बैंडिंग होता था उसका आवाज़ हमारे वहाँ रात को सुनाई देता था, जो पेट्रोल बम डालते थे एक दूसरे के ऊपर वो सुनाई देता था। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। मतलब हथियार अगर मुस्लिम इलाके में जाना है
तो हथियार बिगर मत जाओ, नहीं तो वापस नहीं आऊँगा। यही अच्छा। हाँ, पर मुस्लिमों के पास तो बहुत सारे हथियार है, वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है, पर हिंदू के पास तो सिर्फ लाठी और कहीं तलवार होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि जब धमाल चलती है ना तब अफवाह चलती है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिया, तो अगर दूसरा सुनता है यहाँ मंदिर तोड़ा तो वो एरिया में वो मस्जिद तोड़ देते, ऐसा है। तो आपने क्या अफवाह सुनी थी कि कौन सा मंदिर टूट गया? मंदिर तो बहुत सारे टूटे थे कि ये मूर्ति खंडित कर दिया, वो किया। आपने कोई देखी? मैंने तो देखी नहीं, मैं गया नहीं देखने के लिए। मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ। कौन से पेपर में? संदेश में। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर टूटा, यहाँ शंकर भगवान का मंदिर को उन्होंने वो किया। ये इसनपुर है, इसनपुर बस स्टैंड, बस स्टॉप, बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, इसन मलिक मस्जिद, इसन मलिक की मस्जिद। दरगाह रोड के बीच में थी दरगाह, वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया, तो निकालने के बाद तुरंत म्युनिसिपैलिटी वालों ने रोड बना दी दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस ये वाला, ये वाला। ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो थोड़ी पब्लिक ने, और रोड बना दिया कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी, अभी तक उसी ने रोड बना दिया, दूसरे ही थी। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर बड़ वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर, डर लगता है फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है, बॉल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीस का बॉल आता है। इधर क्या हुआ ना थोड़ा, गुंडा लोग बोलते ना वैसे, उन्होंने ऐसा किया था, सब लुखे बोलते हैं ना वैसे सारी भाषा गुजराती बोलना पड़ा। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनका तो क्या, हम लोग कैसे मांगर से माल आया था सब, इधर ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे, बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? तो हमने नहीं मिला। क्या सुना है? कुछ ज्यादा ही मरे, औरत ज्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में, जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। तो जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है, बस बंद कर दो ना। नहीं बताओ ना, बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा है, याद करने में बुरा लगता है। हाँ, ऐसा झूठ झूठ नहीं बोलेगा, 24 घंटे खड़ा था मैं। गोबर वाली चप्पल निकाल। आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज सिंह। कहाँ रहते हो? SRP पुलिस का लड़का है। तो जो टोला है तो वो इतना चारों बाजू से है कि? और रोड पे से। तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकल के? भागने का मौका ही नहीं मिला था।
बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काहे का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया वो नंगी नंगी। बोला जाओ भैर दो तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ, तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है, जितने 100, 200, 300 की टेंशन थे सबको घेर लिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार थी, कोड़ थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई, तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी, मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं, एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान के मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल, जैसे एक मैं खुद घायल हूँ। ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेड जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है, 8 बरस की उम्र है उसकी, 1 की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो अफसोस, मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन में याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती रातों को। वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया, हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला गया, चाहे सरकार जितना भी रुपया ले, हमें थोड़ी कुछ कुछ थी। जवान लोग कर रहे थे सुरक्षा तो, लेकिन उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा था ट्रेन को। जो हमने मीडिया वालों ने जो छापा है वो पढ़ा है, उसमें था कि इन लोगों की औरतें भी थी, जो गोधरा में हुआ, जो लड़कियों को काटा गया, जिन 60 लड़कियों की बात सुनने में आई कि उनको उठा के ले गए, तो लड़कियां कहाँ है आज? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, जो भी होता है नरोड़ा पाटिया का ही पूछता है। आखिर नरोड़ा पाटिया में हुआ क्या है, कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? आप बताइए क्या हुआ। नरोड़ा पाटिया में कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है सभी झूठ कहा गया है, लेकिन जो गोधरा में हुआ ना वो हकीकत है। कैसे पता? क्योंकि मीडिया में न्यूज में आया था, हम पढ़ते हैं, न्यूज हमारे घर आता है। नरोड़ा पाटिया का भी मीडिया में न्यूज में आया था? हाँ। तो वो भी सच होना चाहिए फिर। लेकिन वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था ना। क्या हुआ उस दिन? तो भाई साहब देखो, अभी हमको कुछ पता नहीं था, अचानक हुआ, जो भी कुछ हुआ सब अचानक हुआ, कुछ बोल के नहीं हुआ। आज हमारे क्या कुछ नहीं किया, हमारा नाम कितना उछाला, पूरा नाम उछाल के रख दिया, पूरे वर्ल्ड में हमारा भी नाम है, जैसे इस एरिया का नाम है वैसे हमारे लोगों का भी नाम हो गया। हमारे लोग मतलब? यानी हमारे पापा और भाई का। बोले भवानी सिंह ने किया, आप देखो तो हमारे पापा की इतनी उम्र है ज़्यादा, ये 50 साल की उम्र है, इतनी बड़ी लड़कियाँ है, 52 साल की उम्र हो गई उनकी, 50 से 52 साल की उम्र। आप उनकी लड़की हैं? हाँ, मैं उनकी सबसे छोटी लड़की, हम 3 लड़कियाँ हैं, हमारा एक भाई है जो वकील था, उसको भी अंदर करा। तो क्या हम सब करने गए थे, ऊपर से सबको बचाया, खिला पिला, तो आज हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बोले मैन सूत्रधार इन लोगों ने ही किया। तो ऐसा चले, जिसने बचाया उसी को तुम गुनहगार ठहराते, तो ये तो कौन इंसान, दूसरी बार ऐसा कोई बचाएगा क्या? अभी हमारे बारे में इतना सब क्यों लिखा हुआ, तो हमको भी पता नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। आपके पिताजी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में? कभी नहीं, भाजपा में नहीं, कांग्रेस में नहीं, कोई पॉलिटिक में नहीं। मेरे भगवान का आदमी है, अच्छा आदमी है। रतिलाल सोमा भाई राठौड़ उर्फे भवानी, क्योंकि भवानी माँ की पूजा करते हैं,
इसके लिए भवानी के नाम से पहचानते हैं। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसिन का ऊपर से छांट दिया, नारी बोलते के साथ तो आग पकड़ गई, तो छोकरे का पेंट उतार के उसके छोकरे ने भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को, और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है, फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ तुमको मारने के, मेरे बच्चा अखा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अखा जल चुका और ये छोकरी मेरी वही चीन दम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घूर गया, औरतों के साथ में कैसा हुआ है, जल चुके मर चुके, जो बचना चाहते आग में से निकलना चाहते तो निकल निकल के भाग रहे, उनके साथ भेजी थी करिए बराबर, कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़े तोड़ दिया, कोई ने कुछ कराए, जिन उनके साथ और कोसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी तो वो तो भारी पैर देता थी, तो उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया गया, ये भवानी गुड्डू छा रहा है, सहजा छा रहा है, भवानी है, टीनिया है, सिंधी है। आप बोल रहे हैं कि सर रेप हुआ, ये सब कुछ भी नहीं, मारा मारी हुई है, सब औरतें यहाँ पे सही सलामत थी, पीछे सोसाइटी है ना वहाँ पे सब सही सलामत थी, रात को 12 बजे पुलिस वाले आए, उनको सबको लेके जाके सालम की छावनी वहाँ पे छोड़ा। तो ये लोग इतने सब लोग मिलके झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो पता नहीं है, अभी ऊपर वाला जानता है क्यों झूठ बोल रहे हैं। कौसर बानो की एक ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा सब जो लिखा है जो अखबार में आया ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मान लिया कि नरोडा के बारे में हुआ, आप बोलते हैं कि मान लिया रेप हुआ है, तो किसका हुआ, कौन सा प्रूफ है, क्या पीएम रिपोर्ट है, डीडी रिपोर्ट है, किसी की नहीं है। डीडी रिपोर्ट क्या होती है? डॉक्टरी रिपोर्ट, जो डॉक्टरी में आता है वो, और पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और हम भी थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी की जान रखते ही, थोड़ी बहुत डॉक्टरी की रखते हैं, थोड़ी बहुत वकीलत की रखते हैं, क्योंकि हमारा भाई भी तो वकील है, तो यहाँ नरोडा पाटिया में किसी की रिपोर्ट नहीं है कि जिस पर रेप हुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم। 28 तारीख के दिन एक कबर खोद रहे थे हम, 2 बजे आए इनामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े, तो ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जने मर चुके हैं, ये है ना वो है, तो हमारे तो हाथ पाँव खुल गए कि 10 खड्डे करने ने लाशा वाशा ले के आएगा कौन, उन्होंने बोला खाली अब हाल में तुम खड्डे करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े हो तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे, उनको अपने जो हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियां चली जाए, खाली सिर के बाल खींचो तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए, कोई भी तरह से आप लोगों को समझ ना पड़े कि सामने वालों को उठाना कैसे, तो ऐसी कोलसा हो के आई थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी कि खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मांस तो कुछ दिखे नहीं। जो डेड बॉडी यहाँ पर आए वो कौन कौन से ही रहते हैं? नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर सोसाइटी है। औरतों की जो यहाँ पे डेड बॉडी आई है, की हालत क्या थी उसके बारे में? 3 लेडीज की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ। मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज़ की आप बात ही मत करो, कहने का मतलब क्या है कि उनके जिस्म को भी आप
नाखून के ने उसके घाव देखो तुम्हारे खुद हैरत में पड़ रहा, क्योंकि लेडीज के सीना होता है ना, सीने को पे भी आप घाव देखोगे तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था, हड्डे आते थे इतने इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में नहीं आ रही। यानी प्रूफ, यानी प्रूफ मिटा दिया यूँ, यानी ये तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19, मेरी मदर, दादी, बड़े बा, चाची, दो भाभी, दो भतीजी, एक भतीजा, एक भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले शहीद हुए। होटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे, जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। जो बड़े ऑफिस पे, हाँ बड़े जो थे ना मेन जो कलाकार आगे जो, जैसे नाम, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वेद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मैक सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे, फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा नहीं इंसाफ, अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे। किस किस्म का लालच? कि इसको बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे। आपको कितना ऑफर आया था? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए हराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाता। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी, तकरीबन 9:30 हो गया था, 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक के बाद में पुलिस कमिश्नर, हाँ 10:30-11 बजे सी पांडे, वो सुबह में आए थे लगभग 10:30 बजे आए थे, वो 10:30-11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थी? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई, वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं, और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा ऐसे ही पूरी पब्लिक की दरवाजे आ गई, पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे, और PI यहाँ का जो, वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस का नारा सभ्य थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ex-MP रह चुके वो। तकरीबन कितने 80-90 लोग ये रूम में थे, पूरी पब्लिक यहाँ, पूरे अंदर उड़ते बच्चे सब, बड़े बड़े आदमी भी, और जाफरी साहब भी खुद यहीं पर थे। इधर तो कोई पांव रखने की जगह नहीं, इतना फर्नीचर भी इतना, जाफरी साहब के घर में तो क्या ना हो, तो वकील थे इधर, तो सब कबाड़ थे, मतलब ये इनकी ऑफिस थी पूरा इधर, ये सब कबाड़, चौपड़े। फिर हम लोग, मैं और इधर सब आदमी खड़े थे मतलब, और औरतें भी थी, फिर मैं मेरी देवरानी ने हम लोग उधर चले गए। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फोन भी थे, उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है, अमर सिंह पटेल है, दूसरे जो दो तीन नेता, और अमर सिंह चौधरी जो कांग्रेस के, जो अभी विरोध पक्ष के नेता है, उनको भी फ़ोन किया, बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा, अंकल कितना टोला बढ़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन कीजिए, बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है, उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गई थी जाफरी साहब, बोले आप कोई बचने का
सवाल नहीं उठता। कोई सपोर्ट आया कोई यानी चांसेस नहीं है ज़्यादा। दिल्ली तक फैक्स किया था उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, तो वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर। ये इधर मैं खड़ी थी तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, रो रो के आधे हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी नहीं। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे, तो और लोग जितने भी थे अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहीं बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी ले लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे से ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ गए हम लोग, यहाँ खड़े थे बारी तोड़ दी थी पूरी। दो लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल दुलचंद जैन नगिन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे पेट्रोल कैन लेकर। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरवे दे रहे थे सब। इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे ऐसे फेंके केरोसिन को, पूरे घर में आग आग आग, और ऐसे केरवे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब, पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े रहे, उसमें मेरे फादर भी थे। फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बुला के, इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मुझे मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो। मेरे फादर रोक रहे थे मैं, तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते मारते घसीट के यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। फिर जितनी लेडीज़ थी हमने यहाँ से ऊपर सीढ़ी से ऊपर करवाई, यहाँ से हम लोग गए थे ऊपर, काफ़ी लोग यानी 10-15 लोग थे, और ऊपर ऐसे बसते हुए गए थे यूँ नीचे होकर। देखिए पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए, जैसे यहाँ तक तो हमको पूरा सपोर्ट था, यहाँ से पत्थर आ रहे थे सब आ रहा था, और फिर यहाँ से सीधे हम लोग बसते बसते ऐसे निकले, फिर यहाँ आए तो यहाँ तो पत्थर लगने वाली। ये जो पूरा है सामने पोजीशन दुकानों की, ये पूरी भरी हुई थी, और यहाँ नीचे पूरी पब्लिक, तब एरिया पड़ता है ना वो पूरा पैक था, पब्लिक ही पब्लिक थी पूरी। जो रेलवे ट्रैक दिख रही सामने पूरी भरी हुई थी, अब ऐसे में हम कहाँ बच के जाते। पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लंगड़े थे एक पाँव से, तो वो जाली खोलने बाहर निकले ने, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े, नहीं तो कोई 20-30 लड़के होंगे ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू आ, तो मैं इधर खड़ी, तो मेरा वार आया, मैं पहली खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पर नंगी गंदी गंदी गालियाँ देते। देखो ये पंखे पे मेरा, ये टेबल पे चढ़ाई ना, ये पंखे पे मेरा मारना। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई, तो मेरा दोरा खींच लिया, सोने की चेन मैंने पहनी थी, तो साड़ी पहनी थी ना गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। इधर सब जगह ये तो लोई लुहाड़ थी, ये दीवारों पे भी देखो, ये दीवारें भी साफ करी, दीवारों पे भी लोई के धब्बे, इधर सब वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने, फिर उनपे पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से, तुम आवाज़ें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में बज जाती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी का है, बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। आप महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बांस मार दी थी यहाँ नीचे, जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती ज़मीन में चोट गई थी, तो हम लोगों ने खुरेद खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे बाहर थे वहाँ से सब मिला करके, फिर हमने यहीं पर उसको दफना दिया। बच्चियों को छोड़ी नहीं, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ी, मेरे से बड़ी उम्र की भी औरतें थी, बोलो खुद किस तरह बची। मेरे को वही टोले में से एक लड़के ने बचाई, उसमें से एक लड़का ऐसा बोला कि हाँ मासी मैं तुम्हारे को पहचानता हूँ, बोले
तुम तो बोले मेरी मासी हो, तो वो लड़का उसको गाली देने लग गया। तो बोले है तू सच्ची बोलता है, तेरी खाला है? तो बोले हाँ मेरी मासी है ये, तो बोले डी कॉलोनी में रहती है। तो बोले कि चलो मासी आ जाओ। बोले ए चलो कोई इसको हाथ मत लगाना, वो छोकरे ने ऐसा बोला। तो बोले कि मैंने फिर मैंने वो लाशें देखी तो मेरा दिल घबरा गया। मैंने बोला मेरा लड़का भी अंदर है, मैं वापस मेरे को अंदर जाना है, वो छोकरे को मैंने ऐसा बोला। तो बोले कि नहीं मासी अब तुम्हारे को तो मारेंगे लेकिन मेरे को भी मार डालेंगे, क्योंकि वो लड़कों ने बोला था कि देख तू झूठ बोलेगा ना तो तेरे को हम मार डालेंगे। फिर मैंने बोला चलो इसने अपनी जान बचाई है, तो मैंने बोला अल्लाह हवाले अपने बच्चे को छोड़ दो। मैंने बोला अल्लाह के हवाले करके मैं निकल गई बाहर। क्या बता, सब सोसाइटी तो पूरी आग का गोला जल रही थी सोसाइटी, तो मेरे पाँव में इतने इतने फोले हो गए। मैं बाहर निकली तो बोलो मानते हो पूरी सोसाइटी, हमारा घर मैंने देखा तो ऐसा हो के हमारी तो पूरी जिंदगी का सहारा ही चला गया। हमारा तो एक का एक लड़का था, 24 साल का था, पढ़ने में बहुत माहिर, LLB के दूसरे साल में ग्रेजुएट था BCom। हमको तो ये क्या इंसाफ ये दे तो बहुत बड़ी बात है इनकी, कि ये गांधी जी का है क्या, ये गांधी बापू का है, गुजरात है गांधी, गुजरात तो अहिंसा में मानते हैं। इन्होंने तो सब अंतवाद जैसा किया, शैतानी बन गए, राक्षस बन गए ये लोग। गोधरा के रेलवे स्टेशन तक आतंकवाद इसलिए आया, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है, हमें महात्मा गांधी की अहिंसा नहीं चाहिए, हमें शिवाजी महाराज का शौर्य चाहिए। हमने 28 तारीख को महात्मा गांधी को अपने घर में ताले में बंद कर दिया था, या तो तुम गजनी छोड़ दो या हम गांधी को छोड़ देंगे, और जब तक ये धरती पर गांधी की अहिंसा की विचारधारा, मुसलमानों के सामने घुटने टेकने की विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं निपटेगा। मेरे भाइयों हमें गांधी को छोड़ना होगा, सिग्नल फरिया वाले कान खोल कर सुन लो, जिनको जय श्रीराम मंजूर नहीं था और आज भी जय श्रीराम मंजूर नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये गोधरा तुम्हारे बाप का नहीं है। और तुम कौन होते हो मेरे जय श्रीराम के नारे रोकने वाले, जय श्रीराम के नारे रोकने वाले को हम मार मार कर पाकिस्तान भेज देंगे। गोधरा के हत्यारों को, गोधरा के हत्यारों को, हत्यारों को बचाने वालों को जय श्रीराम। बस इतना पता चला कुछ लोगों ने ट्रेन जला दी। आपकी मम्मी के फ्रेंड्स भी थे उसमें जो दर्शन करने को जा रहे थे? वो नीलिमा बहन थे और माला बहन, तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो हैं भक्त के रूप में दर्शन करने के रूप में ही जा रही थी, डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे। हाँ। तो आपने देखा था? हम डर जाते ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग, सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते, आप याद दिलाओ या ना दिलाओ याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है? नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में ही नहीं लेती ये सब। तो
आप कभी विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? नहीं, मैं कभी। आपकी मदर की तस्वीर वहाँ पे देखी है? तब सबका दो सबके दो दो फोटो कहाँ पे? उन्होंने रखे थे, दो अपने पास और दो हमारे पास, कि कुछ हो गया तो कहीं कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना, सबके ये वो फोटोग्राफ है वहाँ पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवक के लिए नहीं गई थी, लेकिन ऐसा हो गया तब सबको कार सेवक ही राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे हम, जय हो की। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गुजरा में बोले गुजरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे तो वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब इतने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए, तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे, ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है। डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे केयर लेना पड़ेगा, वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन ही। तो शिवाली इस बार आप स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे कि नहीं? तैयारी शुरू कर दी? हाँ। थोड़ा मार तो पड़ता ही है उसके माइंड पे, क्योंकि अभी पहले क्या था वो लगभग 80% के आसपास से रहता था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा ये बीच में रिजल्ट आया है जो, तो उसमें 5-10% कम हो गए, लेकिन फिर भी मैं तो उसे बोलता ही रहता हूँ कि भाई मेहनत कर, अभी सब भूल जाओ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। के पहले कोई मुस्लिम दोस्त स्कूल में पढ़ते तो थे, कई सहेलियां थी मेरी मुस्लिम। कौन कौन दोस्त हैं आपके जो मुस्लिम हैं? है 3-4 लोग। नाम क्या क्या है? रुबीना है, गुलजार है, महज बिन है, मिलास। तो इन चारों से अभी भी दोस्ती? हाँ। अच्छी की पहले से बदल गई हो? जैसी थी ऐसी है अभी। तो शरारत में आप लोग साथ में हिस्सा लेते हैं कि पढ़ाई में? पढ़ाई में भी और शरारत में भी। किस तरह की शरारत करते हैं आप? टीचर की मस्करी करना, सब मतलब पढ़ते तो सब होता है ना। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग है जो ये करवा रहे हैं, बराबर है हिंदू में है मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे, क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब, आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका, अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे, आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए, इसी तरह चला तो किस तरह का पूरा होगा। गोधरामा साइंट जितना निर्दोष राम भक्तों ने रेलवे ना डब्बा में सड़गावी दीदा। હવે આપણા ગામને ખબર હતી ત્યાં જોરથી તો કહો ભાઈ સમાચાર મળ્યા હતા, ત્યાર પછી આપણા ગામમાં આપણે કોઈની દુકાન બાળી હતી ભાઈ,
આપણે કોઈનું ઘર બાળ્યું તો? જોરથી બોલો ને. આપણે કોઈને ચક્કો માર્યું તો? આપણે કોઈનું માથું વાળ્યું તું? આપણે કોઈ બેન બેટીની ઇજ્જત લીધી હતી? તેમ છતાંય આપણા ગુજરાતમાં દુશ્મનો, ગુજરાતના વિરોધીઓ એમ જ કહે છે કે અહીં તો ગામે ગામ આગ લાગી હતી. ગામે ગામ જાણે બધા લોકોને કૂટી બાળતા હતા, ગામે ગામ લોકોના માથા વાળતા હતા. એટલી હદે આપણા ગુજરાતને બદનામ કરી મૂક્યું એ બધાને જવાબ આપ્યો છે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાએ. અઠાઈસ તારીખ હમારે દેલન ગાઉ. 28 તારીખ કો 10 બજે સે હમારી મસ્જિદ પે હુમલા કરને આયે તો હમ સબ લોગ પૂરે દિન ઓર પૂરે રાત હમ ખેત મે રહે. 1 તારીખ પહેલી તારીખ હમ वहाँ से भागे तो हमने ऐसा सोचा कि हम टेम्पो लेके हम कालोल में चले जाएं. फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देलोल से कालोल में, तो वहाँ अंबिका सोसाइटी है वहाँ पे उसने हाईवे रोड पे मारुति कार आड़ी रख दी और हमारे यूं करके ऐसा उसने टेम्पा हमारे गिरा दिया. फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उसने उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को. फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागी, वहाँ से भागी और नदी में उतरते हमको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया और सब मेरी जेठानी चले गए. हम छोटे छोटे पड़ गए तो वहाँ से मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे, कपड़े निकाल दिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई. मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर के जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था. फिर मैं पहन के मेरे फैजान को लेके भागी. तो इन्होंने आपके साथ ये किया, आपने उनके नाम पुलिस को दिए? वो तो किसी को नहीं पकड़े अभी तो, नाम दिया तो भी किसी को नहीं पकड़े. क्यों, क्या बोलते हैं वो? तो पुलिस वाले क्या करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले. पापा, ये मेरे साइड पे जो खोड़ियार पान का गलना आ रहा है, ये ओपन प्लॉट के बाजू में दिख रहा है खोड़ियार पान हाउस, लड़के लोग बैठे हुए हैं. वो खोड़ियार पान वाले का मालिक विजय ठाकुर, वो मैन उसका एक पुलिस है, मैन वो एब्सकॉन्डिंग बता रहे हैं, वो गलने पे बैठा हुआ है, धंधा करता है. अब यह आई अंबिका सोसाइटी, लेफ्ट साइड पे अंबिका सोसाइटी है, राइट साइड पे ये वल्लभ नगर इसको बोलते हैं. ये जो नाला है, जस्ट नाले के यहाँ पे टेम्पो पलटी करा था, ये नाले के यहाँ पर टेम्पो पलटी किया गया. तीन लोगों को यहाँ जिंदा जलाया, बाकी लोगों को 10 लोगों को यहाँ ये साइड पे ओपन ग्राउंड था वहाँ जिंदा जलाया गया. और इस मैदान में उन औरतों को कुछ वक्त दुड़ाया गया था. तो मुख्तार भाई, ये टाइम के जो दंगे हुए थे उसमें औरतों को खास निशाना बनाया गया? औरतों को ऑलमोस्ट सारे पंचमहल में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए वहाँ पर औरतों पे रैप हुए. देरल गांव में जो लीमखेड़ा ऐसा फैमिली पांडू जा रही थी, तो वो औरतों पर उनकी बच्चियों पर रैप हुआ है, जो सभी 10 को मार दिया गया है. और कई केस में ऐसा हुआ है कि भाई लड़की अगर अनमैरिड थी और उन पर रेप हुआ है, तो कि भाई अगर हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को ये डर रहा कि भाई हमारी बच्चों की कहीं शादी नहीं होगी. तो उस डर से कहीं ज़्यादातर लोगों ने कंप्लेन रेप केस की नहीं की है. जो औरतें वहाँ से बच के भागी, इस रोड पर दौड़ते दौड़ते वो लोग जान बचा के जा रहे थे यही रोड पर, उसके पीछे मॉब के कुछ लोग आए, ये मकान के यहाँ से ये लोग खेत में उतर गए, खेत में उनके पीछे भागे. ये सामने वाला जो मकान है, हाँ, यहाँ से लोग खेत में उतरे और वो आगे का खेत जो ट्रायंगल खेत है ना, उस ट्रायंगल खेत में उन्होंने पकड़ लिया और वहाँ पे सुल्ताना पर रेप हुआ.
इस इलाके में काफ़ी सारी डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली। कालोल में टोटल 65 मुस्लिम की डेथ हुई है, जिसमें से 43 डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो जो सरकार बोलती है कि सिर्फ इतने लोग मरे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं। कहीं ज़्यादा लोग मरे, आप सोचिए कि 65 में से 43 डेड बॉडी तो सिर्फ यहाँ पर मिसिंग है, तो और जगह पे क्या हालत होगी। आप अभी देलोल में वापस जाके रहना चाहते हैं? नहीं, गांव वाले सब होते हैं, देलोल में नहीं आना चाहिए सर, किसी को भी देलोल में नहीं आना, किसी भी मुसलमान को। हाँ, मुसलमान। कोई आदमी नहीं रहा, क्या करने का इशारा। आपके पूरे घर में जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले, तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अंबिका सोसाइटी में थी उसने। वहाँ थे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। हाँ, चप का सिपाही हूँ मैं, ओ हो 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 हो। जब का सिपाही हूँ मैं, मेरे मन में मेरे दिल में जब ख्याल आया, भाजप पर प्यार आया, जब ख्याल आया भाजप पर प्यार आया, ओ मैंने देखे औरों को लगे बोले और लगे छोटे दिल जाया, भाजप पर प्यार आया, दिल जाया भाजप पर प्यार आया। ये गुजरात गौरव यात्रा 2 महीने से घूम रही है, 1000 से अधिक गांव का चक्कर काट करके जन सैलाब के सामने अपनी बात बता करके आई है। हम 5 करोड़ गुजरातियों की एकता का संदेश गुजरात के गांव गांव लेकर के घूम रहे हैं। हम 5 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान के लिए चीख चीख करके बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग वोट की राजनीति में पड़े हैं। सत्ता भूख इतनी तीव्र हो गई है कि वो मृतात्माओं के शरीर गिन गिन करके अपनी मतपेटियों को भरना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को चेतावनी देना चाहता हूं, निर्दोषों के पर खेल खेल करके गोधरा से गांधीनगर जाना संभव नहीं है। आतंकवाद पर करे चोट, नरेंद्र मोदी ने आप ये वोट। गुजरात ने अब मौत न सौदागरों की कौन चौशन, नरेंद्र भाई इस बार लीडर है, उनके होते हुए हमको क्या चिंता का डर है। भाजप के नरेंद्र भाई सलामती में लाविए भाजप ने बहुमती में।
ये है स्टार। और आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज चैनल। गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर में आतंकवादी घुसे, 6 लोगों की मौत। सुरक्षा दस्तों ने मंदिर परिसर को घेर लिया है। करीबन 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और ये भी माना जा रहा है कि घटनास्थल पर गुजरात पुलिस के कई कमांडोज पहुंच गए हैं और इस परिसर पर घेराव कर लिया है। अक्षरधाम में हुए आतंकवादी हमले की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सैंसुई पेश करते हैं भारत का पहला फ्लैटोट्रॉन टीवी, 750 वॉट्स की धमाकेदार आवाज के साथ। सैंसुई, बेटर देन द बेस्ट। गांधीनगर के अक्षरधाम में खूनी खेल खत्म। कमांडो दस्ते ने दोनों आतंकवादी मार गिराए। अनजान संगठन तहरीक किसास का नाम उछला, लेकिन शक लश्कर पर। हमले के लिए आडवाणी का इशारा पाकिस्तान की तरफ, कहा कश्मीर की बौखलाहट निकाल रहे हैं आतंकवादी। और गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा फिलहाल टली। अक्षरधाम हादसे के बाद के हालात के मद्देनजर सरकार का फैसला। He sustained an injury of the gravis, which has led to a multiple perforation in the small intestine. आप वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए? ये इसके इनका लड़का और ये और इनके हस्बैंड, तीनों जो थे ना एक लाइन में ऐसे चल रहे थे, तो जब वो अटैक हुआ तो ये एक दूसरे के ऊपर गिरे। फिर इसका कहना ऐसा है कि जिससे हम लोग गिरे ना, तो हम दोनों तो माँ बेटा उठे और उठ के फिर उनको देखा, ऊपर पानी वगैरह छांटा, लेकिन वो उठे नहीं वहाँ से। अब ये जो पास में गुरमीत कौर कोटा वाली, वो इनकी ननद की लड़की है। अब इस टाइम इस कंडीशन में इन दोनों लड़कियों को नहीं मालूम कि हम लोग के हस्बैंड नहीं हैं। उनको अभी यही कहा गया है कि गांधीनगर में उन लोग को एडमिट किया हुआ है, उनको कोमा में रखा। अब इसमें इन दोनों को थोड़ी भी हिंट नहीं है कि हम लोगों के हस्बैंड नहीं है, और यही कोशिश है कि जहाँ जब तक ये खुद कंट्रोल में नहीं आती हैं दोनों, तब तक इन लोगों को ना बताया जाए। सही। आपको क्यों लगता है कि ये सब क्यों शुरू हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं? जैसे वो पेपर में आया, अपन तो वही कह सकते हैं कि गोधरा कांड के बाद में, जैसा कि उनके वो लेटर में लिखा हुआ आया है कि हम लोग उसका बदला लेने, गोधरा कांड में जो नरोड़ा पाटिया में हुआ उसका बदला लेने के लिए ये काम हम लोग। પાકિસ્તાન આ દેશનું દુશ્મન છે, આ દેશના નિર્દોષ લોકોને મરાવી નાખવાનું કામ પાકિસ્તાન કરે છે। તમને એમ હતો કે અક્ષરધામનો કબજો કરીશ અને હિન્દુસ્તાનને નચાવીશ। अरे तुम्हारा सपना ने चूर चूर कर दिया हमारा साबरकांठा दुश्मन जवान, अने गुजरातनो खेल खेलो तो ते वीर गति ने प्राप्त थयो अने आतंकवादियों ने ठाळी दीधा। अगर मियाँ तुम्हारा सपना एक हते तो सपना जोता पहला जोड़ा काढ़ी लेवानी तैयारी हमारी। तुम हमें कहते हो कि गुजरात में खून की नदियां बह रही है, अरे मियां तुम्हारे पाकिस्तान का हाल क्या है? अरे मियां हिंदू आतंकवाद
अरे मियां मुशर्रफ, तुम्हें मालूम नहीं है हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, लेकिन मियां अगर तुम्हारे पाप के कारण या तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के, तो मियां मुशर्रफ कान खून के सुन लो, जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना, तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान आज अपनों से सत्य वचन गुजरात ने बना विशु दंदन वन। करके पीछे मोमेडियन का इलाका है, वहाँ से वॉर हुआ ना, वहाँ से अटैक किया ना, तो सीधा हमारे घर पर बम ने पत्थर मारा, सब बहुत हुआ था। मेरे घर में कोई था नहीं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे दो अंकल थे। तो ये टाइम के लफड़े में आपको भी लड़ने के लिए जाना पड़ा? हाँ, जाते तो यहाँ अपने दोनों बाजू से मरा ही है, ये बाजू से नहीं जाएंगे तो बोले क्यों नहीं आया, मारो इसको, तो हमारा भी घर वाला लूट लेते तो कहाँ जाना। अच्छा, उनके वहाँ भी हिंदू लोग रहते थे, वो भी मोमेडियन के हिसाब में सामने से लड़ने आते थे हिंदू लोग, बराबर उनका भी घर था, उनको भी बचाने के लिए आना तो पड़ेगा। तो आपके एरिया पे कभी मोमेडियन लोग ने अटैक किया? कितनी बार, कितनी बार हमला किया? बस तीन बार था, मैं तीन बार ही हमला, ऐसा तो वाक तो हमारे वहाँ के लड़कों का भी था, मैं जहाँ पर रहता हूँ ना वहाँ के लड़कों का भी वाक था, गलती थी उनकी। क्या किया? कि मोमेडियन औरत जा रही थी ना, तो उसको गाली बोली ना, ऐसा खराब वर्तन किया उसने, माँ बहन की गाली दी ऐसा, वो बोले ले ले लो ने ऐसा ने, वो सब इज्जत लुटते ना ऐसा ऐसा करने आवाज करने लगे वहाँ के चार पांच लड़के। फिर वो औरत ही ने वो गई उस मोमेडियन के इलाके में, फिर उसने जाके बोले ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे, फिर वहाँ से उन लोग ने हमला किया। वो लोग पहले आके बोल गए थे, बोले नहीं हमारे कुछ करना नहीं है, लड़ना करना नहीं है, शांति से बोले रहो, बोले अपने अभी तक लड़े नहीं और लड़ना भी नहीं, तो हम लोग भी फिर शांति से बैठ गए। फिर ये दो तीन लड़के थे ना वहाँ के ऐसे हरामी, उन लोग ने ऐसा बर्ताव किया, फिर ऐसे बवाल हो गए। वो तो ऐसा है ना कि जो कौमवाद है ना बहुत ख़राब है, कौमवाद के हिसाब से नहीं निकल सकते। मेरे को सब पहचानते, मैं तो सब जगह पर घूमता हूँ, लेकिन क्या है कि जो नहीं पहचानते वो तो मारेंगे ही ना, जो पहचानते क्रिश्चियन है तो छोड़ देंगे, लेकिन जो नहीं पहचानते वो तो मार देंगे ना। सब आ रहा है, सासू ससरा आनंद नंदो है, रुकाया भी ना दम भाई, आ सुहाना छे ननद की छोकरी, पछी आ सबाना छे ना मरिया रेशमा छे, कि सब लोग को हां मारी गयो, आ बे मारी गयो, आ मारी गयो, आ बे मारी गयो, अने एक मारा ननद ना छोकरा ने वो मारी गई, राजू बीबी नाम छे। બસ એને સાબાનાની શાદી કરવાની હતી, કથી શાદી બકરા એક પછી શાદી કરવાની હતી, પાંચ વર્ષથી મંગણી કરેલી હતી સુહાનાની પર શાદી કરવાની હતી,
इसकी मंगनी कर ली, वो इसके पास होती वहीं से मिला आपको ये फोटो? हाँ। So you're still active as a lawyer? Yes, yes, I am among the lawyer. I am lawyer first, politician, but politics is also run parallelly with me. पिछले बार पंचमहल में 8 सीट में से 6 कांग्रेस की थी। ये सभी सीट हम ले रहे हैं, सभी सोलंकी साहब खुदा का केस है? हाँ, हमारा ये वकील सोलंकी साहब हमारा केस ये लड़ रहे हैं। कैसे वकील है? अच्छे हैं वकील, वकील तो अच्छे हैं, सारी कामगिरी बजाते हैं। और आपके ऊपर क्या चार्ज लगा दिया? ये 302 लगाई, 307 लगाई है, 376 374 लगाई है। मतलब किस चीज़ के लिए? 374 लगती है बलात्कार में, लगती है 302 मर्डर में लगती है। मारे वो याद आवास છોકરીઓને માર મારીને એ કરે નહીં, એમની ઇજ્જતો લૂટ્યો, એમને મારી કાઢ્યો, એમની છાતી કાપી કાઢી છોકરીઓને, ચીહો ચી કરતી તો છોકરીઓ गुजरात बंद का ऐलान हुआ तो हम हैरान हुए थे। जो काबा दादा है उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की कि आपको जो गुजरात में हुआ है इसी का बदला लेने का है। और फिर हम खेत में जितने थे आदमी, कितने लोग खेत में छुपे हुए थे? 30 ने आजू बाजू, सब लोग भूखे और प्यासे हैं यहाँ 2 दिन इसी खेत में। आगे अलग अलग थे, कोई इधर छुपा था तो देख रहा था, तो इधर इसमें मकई थी। तो आप खुद खेत में कब तक छुपे रहे थे? हम 2 दिन। तो जब आप यहाँ से निकले तो मदीना आपके साथ नहीं निकले? नहीं, वो तो हमने फैमिली थी, 7 जन का ग्रुप था। तो गाना है तो वो बोला कि मुसलमान का टोला अहीं छुपायू छे, हमसे भूमा भूम करी, એટલે પછી મદીના આ બધું વિચાર્યું કે આપણને મારી નાખશે, મકાઈમાંથી નીકળી જઈએ, તો મદીનાને એમનો છોકરો જે નઈમ છે એ અંદર રહ્યા, ઇસ્માઇલ માસ્તર બહાર નીકળ્યા, તેમની પહોંચ રકમ અને પૈસા હતા, એની પાસે રકમ હતું, સોના ચાંદીના દાગીના આપી દીધા, રોકડ રકમ 60-65 હજાર હતા બંનેના, થઈને બધી એમને આપી દીધા, છતાં કહેશે આવ્યા તો જો આપીશું અને લઈ જઈશ તો ભાઈ પુરાવો થઈ જશે, એટલે અમને પતાવવા જ પડે કોઈ બી છે, એટલે પછી લોકોને મારી નાખ્યા. હું 2 છોકરીઓ હતી, એક સબાનંદ સુહાના, એમાં એક છોકરી પેલા છાપરા જઈને બળાત્કાર એટલે કોઈ કર્યો, અને એક છોકરી છે સભાના છોકરીને, એ 4-5 લોકો એ છોકરીને ત્યાંથી અહીં લેતા આવ્યા અને છાપરીની અંદર બળાત્કાર કર્યો, અને પછી મતલબ સુધી દિલ્હી આપ્યા છે. કેવી એમની હાલ કરી છે છોકરીઓની, બળાત્કાર કરો, જોવા બૂમો પાડે જોર જોરથી કે જોવો ઇજ્જત લૂંટો, જોવો જોવો જેની ઇજ્જત લૂંટી લૂંટો, એવી રીતે બૂમો પાડે, એવી રીતે કે મને મોટું રડવું ઉભી બી શું કરવું, બહાર નીકળો તો મને મારી કરો, મને મારી સાથે પણ એવી રીતે કરો, કેવી રીતે બહાર નીકળું, કેવી કભા જમ હતી તે મારાથી જોયું ના જોયું,
ये हमारी गली है ना, वो ओनली हिंदू, उधर मुसलमान, और जो भी हुआ ना सिर पे हमारे रख दिया है कि तुमने ऐसा किया ऐसा ही। क्या हुआ है, ये काम है? 7 आदमी मर गए थे ना मुस्लिम, पकड़ तो जी अनिल पकड़, फिर थोड़ा जल गया था उधर उनका मकान वगैरह, वो नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा 10-12 मकान, बस बहुत ज़्यादा वो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। मैं 5 मास जेल में रह के आया हूँ, और मेरा बाप भी है ना अभी जेल में, चंद्र सिंह राम सिंह दादा गुजरा सब जेल में है, जिनको मैं कोर्ट जिनको मैं मिला था। हाँ वही, वो धोती पहनते हैं ना वही, उन पर बलात्कार लगाया। तो आपको क्यों फंसा दिया? आगे पीछे की दुश्मनी, मामलेन लोग ने नाम दिया आपका, पुलिस वाले आपके अगेंस्ट हैं? पुलिस हमारा सुनती नहीं, पुलिस पैसा खाती है और उधर आती है। तो अपने धारा सभ्य को बोल के पुलिस वाले का बदली नहीं कराया? ये धारा सभ्य भी मादा चोदी भाजप का है मगर, तो भी वो भी पैसा खाने वाला। तब भी आप भाजप को वोट दोगे? मोदी के लिए। मोदी के आने से क्या फायदा होगा? मोदी आएगा नहीं फिर हमारी को टेंशन नहीं रहेगा, मतलब ओ मोदी नहीं आएगा तो उसका राज चलेगा। किसका? मोमेडन का। सोनिया आएगी ना? सोनिया आएगी ना तो उसका राज चलेगा, और मोदी आया तो हिंदू का राज चलेगा। तो आप हिंदुत्ववाद में क्यों विश्वास करने लगे? कभी कभी हिंदू अपने अपने काम पे आता है। सर कौन कर जा? आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रवीण। चले यार हम जाएं। ए फोटो पाड़ बुलाओ है। बुलाओ है। तो प्रवीण भाई ये एक बात बताओ मेरे को, हाँ। ये टाइम में बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत हुआ, हाँ। मुसलमान लोग को लॉस भी बहुत हुआ, हाँ। अभी वो लोग सबक सीख गए कि नहीं? अभी तो कुछ बता ही नहीं जाता। अभी हमारे चाचा है ना वो जेल में से छूट जाएगा, फिर हम उसकी माँ चोट डालेंगे बयान से। और कुछ बताने का है? कुछ नहीं अब नहीं, अब हमारा टाइम खराब हो रहा है। पहले लोग तो हजू एवं भी बगता था कि हमारा काबी दादा छूटी ना वेले पे तमारो रस्तो करनो चाहिए, पछी परिणाम भोगवा माटे तैयार रहेजो, रोजा तमारा ईद अमारी एवं पण धमकीओ मोटा नेताओ बोले छे। धमाल होने के बाद ये सब होने के बाद वो लोग ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का भी कोशिश किया? कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं वो लोग, हमारा बहुत नुकसान कर दिया, हमारे साथ साथ 10-10 इंसान मार डाले, बलात्कार किया छोकरे पर, और बलात्कार करके गुप्त जगह में भाले अंदर घुसाड़ दिए, ऐसा कृत्य किया था लोगों ने। फिर भी वो लोग अभी खुलेआम फिरते हैं, पुलिस को कहते हैं लेकिन ज़्यादा रस नहीं लेते हैं। आपका नाम? आदम भाई। पूरा नाम? आदम भाई पूंजाभाई शेख। और ये गांव का नाम? एराल, तालुका कालोल, डिस्ट्रिक्ट पंचमहल। मेरा नाम सलीम भाई है, अभी मैं सरपंच के पोस्ट पे चालू ही हूँ। 2 तारीख के दिन लगभग दोपहर में पुलिस आई और बोली कि गांव पे हमला होने वाला है तो तुम गांव छोड़ दो। फिर हम लोग वहाँ से लगभग 4 बजे टेम्पो में, 2 टेम्पो थे हमारे पास 407, उसमें हम लोग वहाँ से निकले। हमारा टेम्पो था वो आगे था, उसका ड्राइविंग भाई जाकिर कर रहा था। गांव के नज़दीक ही रास्ता बंद करा हुआ था, पूरे रास्ते में सब दंगाई थे, दंगाई थे, आगे रास्ता बंद कर दिया गया था। कैसे? पत्थर रख के, आडस रख के बंद कर दिया गया था, तो वहाँ हमारे रुकना पड़ा मजबूरन। सबको मैंने नीचे उतारे और सबको भगाया, मैंने कहा जिधर अल्लाह ले जाए उधर भागो तुम,
जो औरतें पीछे रह गई उसमें से मेरी मिसिस और मेरी भाभी दो, और एक मेरे मासी का लड़का होता है महमूद भाई करके, वो चार को वहाँ शहीद मार दिया ये टोले वालों ने। हम बिल्कुल नज़दीक में ही थे, फिर वहाँ से हम रात को नदी में रहे पूरी रात, और इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ थी मेरे साथ में, छः सात लड़कियाँ थी और दो लड़के थे, ऐसे हम 11 जने थे। वो दूसरी और दो हमारी भाभियाँ, फिर दूसरे दिन पता चला कि उनको भी उधर मार दिया है। ये जाकिर का छोटा लड़का था जो 4 मास की उम्र थी उसकी, उसको भी पत्थर लगा था तो वो मरा हुआ ये खुद लेके आया था, पास में ही था, मैं उसको लेकर भाग रहा था, वो पत्थर लगने से खलास हो गया था, उसको सर के अंदर पत्थर लगा वो खलास हो गया मेरे हाथ में। हमारे पास दो टेम्पो है, एक 82 एक 64 39, तो मेरे आगे जाकिर निकल गया 82 लेकर 34 पैसेंजर बिठा के, और मैं पीछे रह गया 15 मिनट, और मालपुर तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया था, वहाँ एक टेम्पो पड़ा था, उसका नंबर है GJ70X5838, वो पूरा आदमी का परेला, उनके पास दारिया और तलवार थी, तो वो टेम्पा मेरे पीछे भगाया, 4 सुजुकी पे बंदूकों वाले थे, लिम्बड़िया चौकड़ी पत्ते के साथ इन्होंने फायरिंग करके टायर फोड़ दिया मेरा। एक 10 मिनट के अंदर टेम्पो चलाया और जो बाहर निकला उसको काट के बिल्कुल अंदर डाला, और छोटे छोटे बच्चे थे, 2 महीने से लेकर 1 साल तक के तो लगभग 34 तो बच्चे थे, 29 औरतें थी और दूसरे आदमी थे उसमें, वो 67 में से 8 लाशें मिली हमको, 59 का तो आज दिन तक पता नहीं है लाशें कहाँ गई। दूसरे दिन पूरे वो अन्ने के वहाँ से टायर डाल के पूरी गाड़ी जलाई, अंदर के लाशें दिखती थी, उसके बाद लाशों का नाश करने के लिए। पुलिस उसके बारे में क्या कहती है? पुलिस तो लापता गिनती थी सब, वो गाड़ी के अंदर तुम जाके देखो ना, उस टाइम पे सब दिल्ली से नवाए थे, सब दोमन जितने अड्डे थे अंदर चले ले, वो पगू के जेवरात के कड़के, चूड़ी के कड़के, घड़ियाल की चैन के कड़के सब गाड़ी के अंदर था। गाड़ी पूरी 3 दिन तक जलाई इन लोगों ने, लिम्बड़िया चौकी में। हाँ, लिम्बड़िया चौकड़ी। ये फोटो किसने खींची? ये फोटो मैं ही खींच लाया था। कितने आदमी थे इस टेम्पो के अंदर? 84। उसमें से कितने बच गए? 17 बचे। तो विमल, ये बार इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी। आपको? बीजेपी। क्यों? बीजेपी का माहौल है यहाँ, बीजेपी का है। यहाँ पर कुछ घटना हुई थी? घटना हुई थी ऐसे, अफवाह थी। आपने भी अफवाह सुनी? हमने तो कुछ नहीं सुनी आज तक, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। क्या सुना? कुछ एक्सीडेंट हुआ? किस तरह का? किस तरह का? किस तरह का एक्सीडेंट हुआ? सबको मालूम ही है ना, पेपर में आया था। आज तक ये 10 महीना हुआ थी, सबको मालूम है। तो मेरी ओर से आप क्या सुनना चाहते हो? सुना था, क्या सुना? लोगों से, मुझसे सुना था। क्या सुना? ऐसा ही हुआ, तो हत्याकांड हुई और लिम्बड़िया चौराहे पर ऐसे तूफान हुआ, इतने मर गए, ऐसा सुना था। कितने मर गए? वो तो मालूम नहीं हमको कितने मर गए। इनको ऐसा ही था कि कोई मोमेडन बच रहा है नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद ने वो इनके सब आगे वाने है, अरविंद सिंह, भारत सिंह, वो सब इनके प्रमुख थे। ये पकड़े नहीं अभी तक, सरकार ने नहीं पकड़े, हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल की, उसका PSI ऊपर उसका लिखाण भी आ गया, उसकी कॉपी भी है मेरे पास हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते? नहीं मानते, कहाँ पकड़े, किसी को नहीं पकड़ा, नाम जोक फरियाद दी है मैंने। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं पकड़ते? फरार है बोलते, उसमें क्या सरकार का हाथ है पूरा, फरार है बोलते हैं। मगर आपको वो आदमी दिखता है? दिखते हैं सब, वहीं के वहीं फिरते हैं, पूछो जाकिर को, सब मैसेज मिलते हैं हमको कि भारत सिंह यहाँ खड़ा था, अरविंद सिंह यहाँ था, नरेश ब्राह्मण था, सब समाचार मिलते हैं, बाबू चमार था, सबके सब मैसेज मिलते हैं। कपिल देव दूध की गाड़ी वाला, वो भी गाड़ियाँ लेके फिरता है। जिसने गुनाह किया है वो लोग बाहर फिर रहे, और जिसने गुनाह नहीं किया है उनको अंदर, वो लोगों ने अंदर रखा था, बराबर है, वो सब दिखाने के लिए उन लोगों ने, देखो हमने सबको पकड़े ही हूँ। जिसको पकड़ने थे वो नहीं पकड़ा, दूसरे अलग अलग पकड़ा था सब। तो अभी वहाँ से धारासभा का चुनाव लड़ रहा है, उनको भी पकड़ा था एक कॉलम आयोग ने, उसको पकड़ा था ना, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। Beep beep.
पूरे गुजरात में इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वेव चल रहा है। मुझे लगता है कि पूरे गुजरात में 2/3 मेजोरिटी बीजेपी लेके सत्ता में आएगी। जो अल्पसंख्यक हैं, आप उनको कुछ दिलासा देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि उनको बहुमति को आदर करके रहना चाहिए। आदर करके रहेंगे तो कोई हिंदू समाज कभी किसी को नुकसान करने वाला समाज नहीं है। सौ समाज साथ પોતાનો વિકાસ સાધવા માટે સાથે રહે અને દેશભક્તિ ગુજરાતના છીએ દેશના છીએ એવું માનીને રહે તો કોઈ મોહ આવતો નથી। એ હે અમારે કાળુભાઈ માલીવાડ। કાળુભાઈ થોડે કોન્ટ્રોવર્શિયલ કેન્ડિડેટ ભી રહે બન ગયે ઇસ બાર। મેં સમજતા હું કોન્ટ્રોવર્સી ઉસમે કોઈ હૈ નહીં। જો ઇન્સિડેન્ટ હુઆ થા લીમડિયા મેં ઉસમે ઉનકા કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ રહા હી નહીં। પૂરે કેસ કા એવિડન્સ કોર્ટ મેં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ મેં હુઆ। वो केस आपने ही लड़ा? हाँ, मैं भी लड़ा था और भी मेरे मेरे साथ एडवोकेट्स थे। तो उसमें जो लोग आए जो इंजर्ड थे, जिसको लगा था, जिनकी हत्या हुई थी, इंसिडेंट पे जो लोग थे, जो कंप्लेनेंट थी भाई अर्जू, वो सभी ने उन लोगों को बताया कि कालू भाई इंसिडेंट में थे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट गलत किया गया था, इसलिए उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब वो कॉन्ट्रोवर्सी रही नहीं। गुजरात में सरकार भाजपा की है जी, फिर भी आपके ऊपर झूठा केस क्यों बना दिया? वो ये मने खबर नहीं, पर यहाँ हमारा लोणारा तालुका के अंदर जो धारासभ्य है कांग्रेस ने। तो जब आप जेल में थे जी, और ट्रायल चल रहा था, आप कॉन्फिडेंट थे? मने पोता एटलो विश्वास था कि हूँ निर्दोष छू। अने कदाच ये फरियादी जो भाई नाम लगे तो ये पोते पण पोते मानता था कि भाई आप ही हता नहीं, કારણ કે આ લોકોએ ખોટે ખોટું નામ લખાવીને મારા ઉપર જે કેસ કરવામાં આવેલો, એટલે મને પોતાને એવું હતું કે હું નિર્દોષ છું, મને છેવટે ઈશ્વર પણ મદદ કરશે અને હું બહાર આવીશ, એ મને થોડી આસ્થા હતી। એ જો આપકે ઉપર જો કેસ ચલા, આપકો લગતા હૈ કે ઉસકા કોઈ બુરા અસર પડેગા આપકે વોટ પર? નહીં 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 પડેગા। શુક્રિયા। ઓકે સર, થેન્ક યુ। વિધાનસભાના લાયેલા ઉમેદવાર શ્રી કાલુભાઈ માલવાનું સ્વાગત ગોરાભાઈ કરશે। સનાભાઈ સરદારભાઈ નાયક કાલુભાઈ માલવાનું સ્વાગત કરશે। 12મી તારીખે ચૂંટણી છે। ગોરાભાઈ મોતીભાઈ પણ ગુજરાત વિધાનસભા અને એમાં આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર છે શ્રી કાલુભાઈ માલીવાડ। છેલ્લા 15-20 વર્ષથી રાજકારણમાં કામ કરે છે અને આપ સૌને ખબર છે લીમડિયામાં જે બનાવ બન્યો હતો, એમાં લગભગ 8 મહિના સુધી એક મોટો બનાવ હતો, એમાં 8 મહિના સુધી જેલમાં રહેવાનો પણ પ્રસંગ બન્યો હિન્દુત્વના કારણે। કયા મહિનામાં એટલે 11મી ઓક્ટોબર ના દિવસે કેસ પૂરો થઈ ગયો અને એમાં નિર્દોષ છૂટ્યા છે, પાર્ટી નક્કી કરી કે હિન્દુત્વના મુદ્દે 7 મહિના માટે આપણા સૌ માટે જે માણસ જેલમાં ગયો છે એને ચૂંટણી લડાવે નિર્દોષ છૂટ્યા પછી 12મી તારીખે ચૂંટણી છે, પણ આ ચૂંટણી વિકાસના મુદ્દા ઉપર નહીં, સલામતીના મુદ્દા ઉપર લડાય છે। સલામતી આ ચૂંટણી ગોધરાના મુદ્દા ઉપર લડાય છે ને ગોધરાના મુદ્દા ઉપર। તમે અમેરિકામાં જાઓ તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે તો કે ગોધરા, તમે ઇંગ્લેન્ડમાં જાઓ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે તો કે ગોધરા, તમે દિલ્હીમાં જઈને પૂછો કે ભાઈ ગુજરાતની ચૂંટણી તો કે ગોધરા ઉપર, તમે આખા ગુજરાતની 182 બેઠકો ગોધરાના મુદ્દા ઉપર લડાય છે। ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે, ગુજરાતની ચૂંટણી છે અને લડાય છે ગોધરાના મુદ્દા પર। ગોધરામાં એવું તો શું બન્યું? 58 લાશોની આપણા ભાઈ બહેનોની લાશોનો ઢગલો બળીને ખાક થઈ ગયેલી, ભડસું થઈ ગયેલી લાશો,
આજે પણ એ ચિત્ર, એ બનાવ, એ વાત રાત્રે સ્વપ્નમાં આવી જાય છે તો આખી રાત ઊંઘી શકતો નથી. અને મારી જિંદગીમાં હું જીવીશ ત્યાં સુધી આ બનાવને હું જિંદગીમાં ભૂલી શકવાનો નથી કે આ બનાવને હું માફ કરી શકવાનો નથી. ડબ્બાની અંદર આગળ ગયો, એક પેલો પંખો આવે છે ને ઉપર, જોયો છે ને આપણે રેલવેમાં, જાળીવાળો, જાળીવાળા પંખા જોડે 10-12-15 મહિનાના બાળકની લાશ ચોટી ગયેલી. સળગાવવાનું જે કૃત્ય છે ને એ ભયંકર, ઘાતકીમાં ઘાતકી, ક્રૂરમાં ક્રૂર, જો કોઈ મારી નાખવાની રીત હોય તે માણસને જીવતો સળગાવવો, ક્રૂરમાં ક્રૂર રાક્ષસી કૃત્ય. તમે કોઈને તલવાર મારો, ધાર્યું મારું ડોકું કપાઈ ગયું, કેટલી વાર લાગે? એક મિનિટ, બે મિનિટ, ડોકું બહાર, માણસ મરી જાય. તમે કોઈને ગોળી મારો, ગોળી વાગી, 2-3 મિનિટ તરફડે, માણસ મરી જાય, અને વેદના ના થાય, સહન ના કરવું પડે. તમે વિચાર કરો એ ટ્રેનમાં કેવો બનાવ બન્યો હશે. આગ લાગી, ચારે બાજુથી આગ લાગી, અંદર બાળકો, 58 માં તો 40 બહેનો અને બાળકો, અંદર કિકિયારીઓ થતી હશે, કિલક કાકલુંથી થતી હશે, બચાવ બચાવ બચાવ. આ ચારે બાજુ ધીમે 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 શરીર સળગતું હશે. શું વેદના થઈ હશે આપણા ભાઈ બહેનો ઉપર. આ 150 મુસલમાન પકડાયા છે આ કેસમાં, 150, હજુ 100 આપણે પકડવાના બાકી રહ્યા છે. ચાલે છે કાર્યવાહી, નાહી ગયા છે બધા. જો કાળુભાઈ જીત્યા, નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી બન્યા, તો આ જે ગુજરાતમાં જે આપણે ત્યાં અજોઈ તોફાની તત્વો જે રહ્યા છે ને એ બધા પણ બિસ્તરા પોટલા બાંધી અને 15મીની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તમારા મતમાં એ તાકાત છે, પણ આ ચૂંટણી એ બે જાતિ વચ્ચેની જ લડાતી ચૂંટણી છે. હું જે કહેવાનો અર્થ છે તમે મને લાગે બરાબર સમજો છો, અને એટલા માટે હું આપ સૌને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે આ સામાન્ય ચૂંટણી નથી, આ ચૂંટણીને ખૂબ મહત્વની સમજીને. 58 પ્રેતાત્માઓ તમે મત આપવા જશો એટલે તમારી પાસે આવવાનું છે. જો તમે આગુ પાછું બીજું કઈ બટન દબાવવા ગયા, કેવી અવાજ આવશે, ક્યાં દબાવું છું, એટલે તરત તમારો હાથ કમળ પર પડશે અને પ્રેતાત્માઓને આપણે સ્વર્ગમાં મોકલવાના છે. 58 લોકોને આપણે જીવતા સળગાવવામાંથી બચાવી ના શક્યા, પણ એ પ્રેતાત્માઓને સ્વર્ગમાં મોકલવાનું કામ તમારા હાથે કરવું છે. એ તો તમે હું કહી શકીશું કમળનું બટન દબાઈને. ભારતીય જનતા પાર્ટી, આપ સબ બોલેગે જિંદાબાદ જિંદાબાદ. ભારતીય જનતા પાર્ટી, કામ પક્કા હો યાર, કોઈ નહીં રોક સકતા. हमारा पावागढ़ तीर्थ धाम है, ये हिंदुओं का तीर्थ धाम है, माँ काली की शक्तिपीठ मानी जाती है और पूरे भारत में एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में हर साल लाखों यात्री देश भर में से और पूरी दुनिया में से, टूरिस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहाँ पर आते हैं. मैं घनश्याम जोशी रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और ये मेरा नेटिव प्लेस होने के नाते मैं यहाँ पर सेट हुआ हूँ एज ए पेंशनर. और विश्व हिंदू परिषद का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ. आप बताइए कि आप यहाँ पर आए तो विश्व हिंदू परिषद का काम कुछ ज़्यादा नहीं. शुरू में तो हम लोगों को भी कुछ फेस करना पड़ा, समाज वालों ने भी हमको डराया, अरे ये तो ऐसा है कितने सालों से कांग्रेस यहाँ जमी हुई है और आप लोग जो करें सोच विचार के करें. हम तो डेडिकेशन वाले थे, हमने कहा देखो भाई
हम तो डरते नहीं, कफन बांध के चलते हैं। और कम वोट में जो होगा सो देख लेंगे। और हमको रिस्पांस भी इतना मिला, विशेष करके ट्राइबल एरिया, जो हमारा मफ्यूसिल एरिया है कंट्री साइड, वो पूरा ट्राइबल एरिया है। और ये तो ताकतवर लोग हैं, उनको सिर्फ शिक्षा की जरूरत थी, उनको जागरूक करना था ये दिशा में। जो बजरंग दल है उनके युवा हर गांव में हैं। इन यूनिट और स्थापना आपके आने के बाद हुई इस एरिया में? हाँ, पिछले 5-6 साल में। हाँ, आपने कैसे जागरूक किया? हम ये युवा लड़कों को पहले तो आइडेंटिफिकेशन और ये सब जो चीज़ जरूरी होती हैं वो कर लेते हैं। उसमें एक भावना तो होनी चाहिए कि भाई हिंदुत्व का, उसकी रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, उसके पीछे खड़ा रहना है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम त्रिशूल अर्पण करते हैं, प्रतिज्ञा वो लेते हैं, शक्ति दीक्षा समारोह, दीक्षा समारोह, हाँ दीक्षा कहते हैं, शक्ति दीक्षा। जय श्री राम। जिनके पास त्रिशूल है वह सब अपने हाथ में ऊंचा करो, सामने आ जाओ, मेरे साथ बोलेंगे मैं जोर से बोलो, मैं त्रिशूल धारण करके, मैं त्रिशूल धारण करके भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, पूजा करूंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, जिहाद को पराजित करूंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, पाकिस्तान के 40 टुकड़े करवाऊंगा, और भारत का हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, भारत का हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यहाँ जब मैं आया तो मैंने पहले सब जगह पे मैं घुमा हूँ, और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि सबको व्यसन मुक्ति दिलाई। तो दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब। अभी 8,000 लड़के हैं यहालोल तालुका के, 202 गांव है, 75 पंचायत है, और ये 8,000 घर ऐसे हैं जो आज से 10 महीना 1 साल पहले व्यसन से मुक्त बाहर नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक भाई अगर दारू वाला होता है तो उसका मुसलमान संग करता है, और संग करने के बाद वो उसके घर आना जाना शुरू कर देता है, फिर इसकी बहन बीती होती है उसके पर नज़र डालता है, एक दिन सबको पिला कर अंधेरे में रख कर उसको उठा कर ले जाता है। ऐसी ऐसी हालोल में 46 लड़कियाँ हैं, हालोल, कालोल, देवगढ़ बारिया और गोगम्बा, ये 4 तालुका में से 185 हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में उठाकर अपनी बहू बनाने के लिए, और बना दिया, 4-4, 5-5 बच्चे भी हैं। तो ये सब हमारे लिए दुख की बात है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम गौरव से जीना चाहते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओ खोखलो खोखलो बोलो रामण ढोलवा लागे हम बोलो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। દુનિયા નો દરેક મુસલમાન આતંકવાદી હોતો નથી, આ વાત એકદમ સત્ય છે, કે આ દુનિયાનો કોઈ મુસલમાન આતંકવાદી દરેક હોતા નથી, પણ આ દુનિયામાં જેટલા આતંકવાદી છે ને એ બીજા બધા જ મુસલમાન છે, પણ સત્ય છે, એ વાત પણ બરાબર યાદ રાખવાની। એટલે હું દરેક હિન્દુ યુવાનોને હું આહવાન કરું છું કે આવા વાળો સમય તમારી જરૂરત મહેસૂસ કરી રહ્યો છે, આવા વાળા સમય તમારી પોકાર કરી રહ્યો છે, આ તમારી સંસ્કૃતિ એ તમારી માં છે, અને તમારી માની આજે રોજ ને રોજ ઇજ્જત લૂંટાઈ ગઈ છે યુવાનો, તમારી
તમારી માને બચાવવા માટે તમારી અંદર લોહીનું ટીપું પણ બાકી હોય તો તમે એની માટે સંઘર્ષ કરવાનું ચાલુ કરી દો. અને ભારતના યુવાન છો, લીડર બનો, ખેતાની માફક ડર કાઢી નાખો, સિંહના સંતાન છો, કાયદા ખંખેરી નાખો, ડર રાખશો તો કશું કરી શકવાના નથી તમે. પાછા ઘણા લોકો કહે છે કે આવું બધું કરીએ તો ફસાઈ જવાય, એમાંય ફસાઈ લ્યો તો છે એમ નહીં તો એમ, પણ એમ ફસાશો ને તો લક્ષ માટે ફસાશો. હે હિન્દુ, તારું હિન્દુત્વના ચતુરે તારે ધ્યાન રાખવાનું. પ્રહલાદ શાસ્ત્રી આયા તો પહેલી મુલાકાત મેરે સાથ હુઈ થી, હમને ઉસસે બાત કી, આપ કહાં સે આયે તો બોલે મેં સ્વામી વિવેકાનંદ આશ્રમ સે આયા હું પોરબંદર સે, આપ લોગ સપોર્ટ દે તો મેં યહાં રહે સકતા હું, મેરા પોઈન્ટ બના સકતા. ફિર ક્યા હુઆ કે યે બજરંગ દળ બનાઉં થા, યે બજરંગ બનતા હી નહીં, ઇન પાવાગઢ મેં કુછ હોતા હી નહીં. બજરંગ દળ ઉસસે પહેલે ભી બના થા, લેકિન યે પ્રહલાદ શાસ્ત્રી કે આને કે બાદ જો બજરંગ દળ બના, ઉસને પૂરે ગાંવ ગાંવ જાકે કવરેજ કરા, યે બજરંગ દળ કો गांव गांव जाके फैला दिया उसने. अभी उधर जितने भी गांवड़े हैं उसमें कोई भी मोमेडियन तो रहता ही नहीं है. पावागढ़ से लेकर शिवराजपुर है, नवाकुआ है, ढिकवा है, सब में रहते थे मोमेडियन. कोई गांव में 5 रहते थे, कोई गांव में 25 घर रहते थे, कोई गांव में 20 घर रहते थे, लेकिन अभी कोई नहीं रह रहा है. कहीं गाँवों में जाते लोगों को इकट्ठा करता था और पहले बहुत अच्छी बातें बताता था, बाद में फिर मुसलमानों के बारे में बहुत खराब बात बताता था, मुसलमानों का ऐसा है वैसा है. मंदिर पर सबको बुलाता था क्योंकि बजरंग दल हुआ ने, बाद में रामधुन होने लगी, हर रोज रामधुन होने लगी, फेरी लगने लगी, ऐसा कई महीनों तक कराए लोगों ने. ये हमारा पूरा जो तहसील है उसमें 80% गांव ऐसा है कि जहां उन्होंने ये जागृति लाई है. तो उससे क्या हुआ कि हर एक गांव में छोटा छोटा संगठन हो गया और उसमें भी नवयुवान जो थे वो शास्त्री जी के पीछे लग गए. हर एक गांव में 5-25 युवा उनके पीछे होने लगे, तो उसमें हमारी संगठन शक्ति बढ़ गई. फिर हमने संगठन शक्ति बनाई तो भाई पावागढ़ में पूरी तहसील का सम्मेलन रखा, 2-4 हज़ार लड़के भी इकट्ठा किए, यहीं से बगल में 10 किलोमीटर दूर कोई बड़ा गांव है वहां भी एक ऐसा सम्मेलन रखा, तो सब में जागरूक दिखने की ये जो कर रहे हैं वो हिंदुत्व का काम सही है. इस तरह से ये हमारा काम बढ़ा है. ये एक वर्ष चला उतने में ये गुजराकांड से तो जो साथ में था नहीं था सब हिंदू में जागरूक है. तो आप वापस आना चाहेंगे? हमारा एसटीडी पीसीओ था, ठंडा पीने की दुकान था, बीड़ी सिगरेट की दुकान था, वो सब उन लोगों ने जगह हमारे यहाँ 4 महीने आए उसके बाद और हमारी जगह पर उन लोगों ने दुकानें बना दी. अब वो दुकान की जगह खाली नहीं करते हैं. हमारे सबके साधन सबके पड़े, अभी कोई की दुकान नहीं, कोई की जगह नहीं देते, फिर हम धंधा किस तरह करें. मेरी दुकान पर भी छपरा बना के रखती है, सब मकान में रहते. कल मैं गई थी तो खाना पकता था अंदर, घर में गई पने लोग मुझे कुछ भी बोले नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोली. तो मैं क्या अच्छा फिर मामलेदार को बात करेगा. तो आपने उसकी फरियाद की? नहीं, कुछ नहीं किया. कोई लोग पहले हमें फरियाद किया, मेरा मकान इधर रहने का नहीं, हमको रहने दो, तो ये नहीं बोला था गाँव वालों को कि अभी नहीं रहने देने कह के. इन लोगों को ऐसे नहीं मारा है, जब ट्रेन जली ने तब फटाकड़े भी इन लोगों ने फोड़े थे. ट्रेन जली तब यहाँ गाँव में बहुत से गांव में तो बरगोड़ा निकाला था. बरगोड़ा मतलब शोभा यात्रा. हमारे मुसलमान ने कुछ करके दिखाया. देखिए एक बात समझिए कि हिंदू समाज पहले किसी को डराता नहीं, ये अपने एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो किसी को पहले डराना नहीं जानता. मगर जो लोग हिंदुओं को डराता है, डराने के लिए आता है, तो फिर ये जो जागरूक समाज उसको अभी फेस करता है. ये सब जो युवा लड़के थे हिंदू, उन लोगों ने सोचा कि कहाँ तक ये डर के चलेंगे, मुस्लिमों से कहाँ तक डरेंगे,
फिर ये जागृति आई और आज हम देख रहे हैं, आज हमारे हिंदू को, हिंदू युवक को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तो उठ यहाँ से, वो उठा के उसको एक तमाचा मार देगा, इतनी ताकत, इतना विश्वास उसमें भरा पड़ा है। ये जो गुजरा की घटना घटी उसमें तो क्या है कि यहाँ जागृति आई हुई थी, जागृति आई हुई थी इसीलिए इन लोगों ने जो प्रत्याघात दिया। नहीं ऐसा तो देखो, मतलब मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लोगों ने बहुत कम उठाया, या हम लोगों ने मुसलमान को कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ किया ही नहीं है। मतलब क्या है, ये तो पीछे से जो जो कमिटी वाले आए आए वो आए, उन लोगों ने ये किया कि भाई कुछ करो। मेरे पर भी केस हुआ है। अभी मैं अयोध्या में था, मैं 2 तारीख को आया, हाँ, चली तब मैं अयोध्या में था, उसके पहले तो मेरे पर केस लग गया था, उनके पर 5-6 केस लगे हुए उसके पहले कि भाई यही मुसलमानों ने, यही उन लोगों ने, यही शास्त्री था जिसने आगेवानी ली और हमारे सब घर जलाए, हमारे ऊपर 300 IP है, वो जो 395, हाँ 395 आपके ऊपर, सबके ऊपर, ये सब हमारे 52 लड़के थे, 52 लड़के पर वो है, तो ये लोग केस चल रहा है कि, हाँ चल रहा है, हम तो उनको बेल पर छुड़वा लाए, जितने मुसलमान यहाँ से छोड़ गए थे सब वापस आ गए, नहीं हाँ। उसमें कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, पावागढ़ कलेक्टर आ रही कहते મુસલમાન નું પુનર્વસન થવા દો, મેં કીધું કલેક્ટર સાહેબ આ કઈનો નિયમ છે, પૂરા ભારત નો, તો તું જા કરે કાશ્મીરમાં જા, મારા હિન્દુઓ 1950 થી 2001 સુધીમાં તેવી અત્યાર હિન્દુઓને પ્લેનેટ કપડે કાઢી મૂક્યા છે એનું પુનર્વસન કર, આ ગુજરાત બોડી બોમ્બની નું ખેતર નો જ્યારે હોય ત્યાં ગુજરાત છે એટલે પોચા એમને દબડાવો, હે દબડાવો, કલેક્ટર ને કહી દીધું એ વસ્તુ શક્ય નથી, જે નિયમ લાગતો હોય આખા હિન્દુસ્તાનમાં લાગે, ગુજરાતે કઈ ગુનો કર્યો નથી, ત્યારે કલેક્ટર કહે છે એમનું પુનર્વસન થવું જોઈએ, મેં કીધું કરતા રહે હોજે કઈ ન્યુ ડેમ નું બચે તો આજે કઈ નહીં, આજે કઈ ડેટ્યુ ના મળે, સફા 4 પાવાગઢમાં કોઈ મમ્મત દેખડો જોઈએ નહીં, અમારે બહુ માથાકૂટ કરવાની જરૂરત નહીં, કોઈ કહેશે કે ચૂંટણી આવી એટલે શાસ્ત્રી આવ્યા છે, અલા ચૂંટણી જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ બીજી વાત ચૂંટણી સાથે પણ લેવા દેવા હોય, અલા આ ચૂંટણી કોઈ કોંગ્રેસ કે ભાજપની ન હોય, આ ચૂંટણી તો હિન્દુને મિયાઓની છે, તમને ખબર છે, હિન્દુએ મુસલમાનોને માર્યા, હિન્દુએ મુસલમાનોને માર્યા 50 વર્ષની અંદર પહેલી વાર અમારા હાથમાં બેટિંગ આવી છે, કઈ ખબર છે, તમને શું છે સ્વાર્થ માટે આ દેશ ને હોમી દેવા તૈયાર છે બસ વિરોધ કરે કોનો, બજરંગદળ વાળા નકોમાં, RSS વાળા નકોમાં, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળા નકોમાં, અરે આ નકોમાં ના હોય ને તો તમારી બોટીઓ થઈ ગઈ હોય, તમને નહીં ખબર છે, અલા બ્રાહ્મણો તમે જાગો, આ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તમે ઊભા છો, માળાને મંજીરા પકડશો ને તો તમારી બોટીઓ નીકળી જશે, તરવાલ લેવાનો સમય આવી ગયો છે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુસરો, તમે જાગૃત બનો, દેશ પ્રત્યે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યે સભાન બનો, આવા વારો સમય તમારો પોકાર કરી રહ્યો છે, એ ભાવના સાથે દરેકને મારા હૃદયથી ભાવે છે.
અમને અમને પણ અમને સમજાય એમને તમે મદદ કરવા કે અમને અમને છોકરાઓને મદદ કરવામાં આજ છે ચાલો ચાલો સલામતી નો હાથ, ગરીબ ને સુરક્ષા પહોંચાડવા વાળો હાથ, બેકાર ને નોકરી આપવા વાળો હાથ, દૂર ગામડાઓમાં પીવાનું પાણી આપવા વાળો હાથ, વિધવા બહેનોને પેન્શન આપવા વાળો હાથ, ગામડા ને વીજળી આપવા વાળો હાથ. આપણે બે હાથ જોડીને એક હાથ ની માંગણી કરું છું. 12મી તારીખે પંજા ઉપર બટન દબાવવાનો છે. આ ભાજપ ત્યાં કહેશે કે બટન દબાવશો પંજા ઉપર તો કરંટ લાગશે. ભાજપમાં જ કરંટ નથી ત્યાં હું કરંટ લાગે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધર્મના નામે ધતિંગ કરવા વાળું આ સંગઠન, કોઈ આપણે ધર્મને નામા નીચવવાનો સંબંધ નથી. કેવા જૂઠા લોકો છે આ. શિલાદાનું નાટક કર્યું ને ચૂંટણી આવે એટલે એમને ધર્મ યાદ આવે. ગુજરાતે તબાહ કરી નાખે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કહેવા પ્રમાણે 28 ફેબ્રુઆરી થી 3 એપ્રિલ સુધીમાં ધંધા રોજગારમાં થયેલું નુકસાન 7,280 કરોડ અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રે 2,258 કરોડ છે. નાના ઉદ્યોગપતિઓને સરકારી ક્ષેત્રે આવકમાં 700 કરોડનું નુકસાન છે. તમે પોતે જ હિસાબ લગાવો કે ભાજપ સરકારે ગુજરાત માટે શું કર્યું. અંતે જવાબ 0 મળશે. ગુજરાતની ગરિમા સાચા અર્થમાં તો જ સચવાશે જો ગુજરાતમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતી હશે. અને તે આપવાની ક્ષમતા છે ફક્ત કોંગ્રેસમાં. કોંગ્રેસ લાવો, ગુજરાત બચાવો. જો લોગ ધર્મ ઔર સંસ્કૃતિ કે નામ પર લગાતાર સમાજ મેં ઝહેર ફેલા રહે હૈ, ઉસે નફરત કી પથ્થી મેં ઝોંક રહે હૈ, ઉન્હે ખુદ નહીં માલૂમ, ઉન્હે ખુદ નહીં માલૂમ કી ધર્મ ક્યા હૈ ઔર ભારત કી સંસ્કૃતિ ક્યા હૈ. દૂસરે કો પીરા પહોંચાના પાપ માના જાતા હૈ. ભાજપા કી મૌજૂદા પ્રદેશ સરકાર ને સમાજ કે કુછ વર્ગો કો તો ખાસ તોર સે સતાયા હી હૈ, પૂરે ગુજરાતી સમાજ કો પીરા પહોંચાઈ. હિંસા, હિંસા ઔર નફરત, દંગા ઔર ફસાદ હમેશા હમેશા કે લિયે ખતમ કરના ચાહતે હૈ. યહ તભી હોગા, તભી સંભવ હોગા જબ ચુનાવ કે બાદ પ્રદેશ મેં કોંગ્રેસ પાર્ટી કી સરકાર બને. ઇસીલિયે મેં આપસે અનુરોધ કરતી હું કે 12 તારીખ આપ સબ બિના ડર ઔર ભારી તદાદ આપ જાઈએ કોંગ્રેસ પાર્ટી કો હાથ કે નિશાન પર વોટ મત ડાલિયે ઔર કોંગ્રેસ પાર્ટી કો ભારી બહુમત ને જીતાઈએ. ધન્યવાદ. જય હિંદ. હિન્દુસ્તાની
जगत के पूरे विश्व पर हुआ, क्योंकि पहली बार इस भारत के भीतर में भीतर
हिंदू समाज ने अपने शौर्य का दर्शन सारे संसार को कराया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ उसी शौर्य का प्रदर्शन हम सब लोग गुजरात में दें, क्योंकि गुजरात एक नया इतिहास अब लिख रहा है और वह इतिहास ये भारत के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज आवश्यकता है कि इस देश के भीतर हिंदुत्व भरी राजनीति होनी चाहिए, हिंदुत्व पूर्ण राजनीति होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि 6 दिसंबर को जिस प्रकार का शौर्य हमने प्रदर्शित किया था, इसी प्रकार का एक शौर्य का प्रदर्शन गुजरात के हमारे लोग करें। और उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन चुनाव में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बैठा रहेगा और चुनाव में भाग नहीं लेगा, ये नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोसियों को बाहर से बाहर निकालिए। मैं इतना ही कहूंगा आपसे, अपने इस महान कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति करे, प्रत्येक मतदाता करे। आज 6 तारीख का स्मरण करके हम सब लोग और फिर से एक नए इतिहास के निर्माण में लगे। इतना ही कहकर के मैं अपना बोलना समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। सब लोग मिलकर मेरे साथ भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आप सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए, सबकी, जितने खड़े हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। लाउड स्पीकर पर कौन बोल रहा है बोलिए। सारा मुद्दा केवल इसी बात का है, अपनी आवाज ऊंची करो। सारे संसार में हिंदुओं की आवाज गूंजनी चाहिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, दोनों, जिन जिन के पास अपने ओरिजिनल हाथ हैं। ऐसे ये चुनाव सभा नहीं है, पंजा मत दिखाओ, मुट्ठियां खींचो। ऐसे संगठन की मुट्ठियां देशद्रोहियों के जबड़े तोड़ देने की ताकत जिनमें है, मुट्ठियां खींचो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं मानता कि शौर्य दिवस है ये, 6 दिसंबर शौर्य दिवस नहीं है, ये केवल संकल्प दिवस है। 3 चीजें याद रखो, केवल 3 चीजें। देश रहेगा तो विकास होगा, देश रहेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, देश रहेगा तो औद्योगिक विकास होगा। जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी फैक्ट्रियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, कहां जाओगे तुम, दुनिया में कौन तुमको पनाह देगा। और छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरे 85 करोड़ हो। इसलिए 3 बातें, भारत के भविष्य को चुनो, भारत माता के लिए मतदान करो, राष्ट्रवाद के लिए मतदान करो, चुनो, चुनाव करो। गुजरात की जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले, कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। दुनिया में साबित करो कि गुजराती का मतलब केवल चाय गांठिया और रास डांडिया नहीं होता। दुनिया को दिखा दो कि गुजराती किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो गुजराती को छेड़ता है उसको गुजराती छोड़ता नहीं है। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। वसंत राम सेरा मयुद्दीन नन्हे हसनूर बीबी पठान मयुद्दीन। टर्नआउट कितना होने का चांस है इस इलेक्शन यहाँ पर? मेरा बीबी तकरीबन 75-80% होगा।
बस 750 पब्लिक का एक रस्ता और इतना उत्साह था जितना आगे के इलेक्शन में हमने कभी नहीं देखा। तूफान इसकी मेन वजह। आपको लगता है कि गांव को एक मौका मिला जवाब देने का? सही मौका मिला हमको, तो बहुत सही मौका मिला। इतना जबरदस्त इंशाल्लाह हम थप्पड़ मारेंगे तो उनके साथ कुश्तों तक याद रखेंगे। मौका इस तरह का मिला है क्योंकि अभी तक ये हुआ करता था कि लोग जो है सोचते थे कि भाई ये वोट देकर क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो सिवाय वोट के वो परिवर्तन आ नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन लाने के चक्कर में ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है आज हो रहा है। इस बार महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में, हाँ इस बार महिलाएं जो है काफ़ी संख्या में आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि पुरुषों से ज़्यादा, बीच में आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की लाइन है। महिला जो है वैसे आमतौर से हमेशा ये हुआ करता था कि वो अवॉइड करती थी क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा होता था, इस बार उन्होंने क्या करा है कि घर के काम को प्रेफरेंस नहीं दिया लेकिन वोट को प्रेफरेंस देकर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि जो तूफान हुआ उसमें बहुत परेशानियाँ हुई थी, लोगों ने बहुत भुगता है, 3 महीने तक बेचारे बहुत परेशान हुए हैं और इसके लिए भी जागृति का जो थोड़ा बहुत हिस्सा आया है उसका कारण वो तूफान भी है। बीजेपी जो पार्टी है कौमवादी पार्टी है और उसका जो एजेंडा है वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा है। पहले उन लोगों ने हिंदुओं से वोट लिया राम मंदिर के नाम से और राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने बाजू पे रख के सबसे पहले तो उन्होंने हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, तो इस मरतबा तो हमको ऐसा लगता है कि हिंदू जो हमारे भाई है वो भी बीजेपी के ऑपोजिट में ही मतदान करेंगे। ये गली में, आपकी गली में और कितने हिंदू घर हैं? हिंदू को 5 घर हैं और मोहम्मदन के? मोहम्मदन को 5। जब ये हमला हुआ तो सब घर लूट लिए हिंदू के मोहम्मदन के? हाँ। और जल कितने गए? मुसलमान को तो सब जलाए। तो कोकिला बहन आप तो हिंदू हैं, फिर आपका अभी घर कैसे जला दिया? पर सब मियां लोग को भाग गए ना, तो बीक में हम भाग गए। आपका घर जलने के बाद सहायक को कौन कौन आया, मदद के लिए कौन कौन आया? मदद के लिए तो कोई भी नहीं आया। अपने ये जो पार्टी वाले लोग हैं, भाजपा वाले लोग, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद वाले लोग, कुछ भी नहीं, इन लोगों ने भी कुछ सहाय नहीं किया? सहाय भी नहीं दिया। कोई देखने आया? देखने भी नहीं आया। उसको कमेटी वाला आया इसला में, पड़ोसी वाले बताई थी क्या घर मकान भरे की सत्तर में ना। अभी ठीक है सर? आनंद दवा नक्की नहीं कर सर, गमे तारे रुकी जाए दवा। ये टाइम आप वोट दोगे? वोट दोगे किसको? दोगे भाजपा दिए सब भाजपा को देते हैं तो हमको भाजपा को दे दे। अभी मेरे को आप समझाओ कि घर जल गया, घर जलने के बाद कोई पूछने को भी नहीं आया, फिर भी आप उसी को वोट दोगे तो क्या करें? तो अभी तक कौन सी पार्टी आपको जीती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो भाजपा आ गए है। आप इससे खुश हैं? हाँ, भाजपा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू वोट बैंक को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से भाजपा आना चाहिए। क्या सपोर्ट किया? पूरी तरह से, जैसे कि अभी ये जो धमाल हुई, रायट्स आर ऑलवेज अनफॉर्चुनेट, रायट्स इन गुजरात वर आल्सो रिगार्डेड अनफॉर्चुनेट बाय अस, बट द काइंड ऑफ कैंपेन दैट वाज अनलीश्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट द पुलिस, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज दिस दैट वाज rejected by the people of Gujarat. The electoral map of Gujarat has a saffron color edge all across it. Let's just take a quick look at the present lead's position. Information, of course, in for all the seats. The BJP, 129 seats is what the BJP has got. मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ भाजपा ही चाहिए, यहाँ ऊपर सब जगह भाजपा बस।
आपको सुन। बहुत मतलब बहुत खुश है, मियां लोग है ना बस, वो जैसे कांग्रेस कांग्रेस करते हैं, जैसे हिंदू लोग भाजप भाजप करते हैं, बस और कुछ नहीं। अगर कांग्रेस होती तो उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता, भाजप है तो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट मिला। ये मेरा बेटा है, वो जब वोट देगा ना तब तक भाजप रहेगी, उससे पहले भाजप नहीं जाएगी। अगर रक्षा करने वाला कोई है तो बाल ठाकरे, उसके बाद में अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोग फुल ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं कि ऐसा आदमी और भी 20-25 तो पैदा हो जाए। क्या किसी का उसने बिगाड़ा है? कोई मुसलमान को भी पूछ लीजिए, बोलेगा इसका अच्छा ही काम हुआ है। अभी तुम घर छोड़ के जा रहे हो? किधर? अरे यहाँ का नाम कटा के सर्टी लेकर वहाँ जाने का है, बटवा में पढ़ने, वहाँ पर बुलाने आए ना। तो तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ते, यहाँ के स्कूल में? हमको डर लगता है, हमने खुशी देखा है दरवाजे। क्या देखा? वो सब मर रहे ना दरवाजे, वहाँ पर एक कुआ आएगा, उसके अंदर बहुत औरता और आदमियाँ बच्चे, एक छोटा बच्चा हम यहाँ पर बैठे लेते हैं ना, तो एक छोकरा जलेला भागला हमारे सामने, हमने देखे यहाँ बैठे ले, तो यहाँ से पीछे गली में से एक छोकरी जा रही झलेली, वो भी अक्की लंगी अती छोटी है। तुमको डर लगता है? हाँ। ये चुनाव का नतीजा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्यों? अच्छा हुआ ना भाजपा की मौत, वैसे भी हर कोई चाहता था कि भाजपा ही आए, और भाजपा आ गई तो अच्छा है ना, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। हमने तो प्रार्थना भी की थी कि भाजपा नहीं चाहिए। आपको बता क्या मंदिर जाके हमारी प्रार्थना सफल हुई है। तो अब ऐसा लगता है भाजपा आने के बाद कि नरोड़ा ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा? ये लोग सुधरते नहीं, अभी भी कुछ न कुछ करते तो हो गया। अभी मतलब धमाल के बाद भी ऐसे ही फर्क नहीं पड़ा है, अभी यही कह रहे दादा गरीब कांग्रेस आ गए तो हिंदू को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अभी हिंदू कैसे नहीं बोलते, अगर भाजपा आ गए तो हम इन लोगों को मारेंगे। कुछ हिंदू बोलते हैं? कौन बोलते हमने नहीं सुना, हमारे हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकते, बहुत भक्ति भाव वाले हिंदू होते ही नहीं है मारने में। यही लोग बैठे ले को हिंदू को छेदते हैं, बैठे हुए हिंदू को ऐसे जगाते हैं, सांप को कैसे बैठे हुए सांप को जगाते हैं, ऐसी बात है इन लोग। हमारी नज़र में इनके जैसी गद्दार जात और कोई नहीं है। आप किसी हरिजन पे विश्वास करो, लेकिन इन पे विश्वास करोगे तो कभी भी धोखा खाओगे, क्योंकि ये लोग विश्वास खो चुके हैं हिंदू कौम का। तो जब से नरोड़ा का केस वगैरह चले गए, परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कार्यकर्ता बहुत थे, ऐसी बात नहीं है कि खाली हमको ही पकड़ा था, दूसरों को भी पकड़ा था, उनको हर तरह की मदद मिलती थी, बल्कि हमको 2 या 3 बार ही मिली है, उससे ज़्यादा नहीं मिली थी। उसमें भी 1000 रुपया देते थे, जैसे बीजेपी के थे वो लोग, यानी वो सभी को देते थे। तो पार्टी से उन्होंने सिर्फ 2-3 महीना 1000 रुपया दिया, फिर बंद कर दिया? आपने पूछा नहीं क्यों? बोला अभी आगे से पैसा नहीं है, किसी को नहीं। चलिए इनकी बात छोड़ते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि भविष्य में आपका क्या प्लान, आप क्या करेंगे? हिंदू की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, इन लोगों ने आतंकवाद जो फैला दिया है, तो फिर हिंदू की सुरक्षा नहीं हो सकती हिंदू लोगों को। कैसे करेंगे आप हिंदू की रक्षा? अभी समाज सेवा बनने, समाज सेवा में खड़ा रहना चाहिए। मेरे से मत पूछना मैं कैसे सेवा करूँगी। मैं खाली हिंदू कौम की रक्षा करना नहीं चाहती, मैं पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहती हूँ। मुझे जब कोई ऐसा काम मिला कि जिसमें पूरे हिंदुस्तान की रक्षा होगी, तो वो काम मैं हर हाल में करूँगी, चाहे वो काम में भले ही जान का खतरा हो, लेकिन मैं वो काम जरूर करूँगी, अपनी भारत माँ के लिए जरूर काम करूँगी। आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रहूँगा। अरे कार्ड नंबर मैं सब देख लेना, अगर ये गलत हुआ भी जाए तो क्या इस कार्ड दूसरा नहीं निकाल सकते? मैं एम इंडियन, एम एम से इंडियन, ये हमारी जायदाद है, हमने
बचा है, कल को जाए तो इंडिया वाले कहेंगे कि तुम्हारी इंडिया का प्रूफ क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कम से कम आई एम इंडियन। मैं हिंदुस्तान को चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मेरा देश हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान को बहुत चाहता हूँ। एक मेरी भांजी है, बड़ी बहन की छोकरी, मेरी बड़ी बहन की छोकरी और उनके उसके 6 महीने का छोकरा, एक मासूम दूध पीता और 1.5 बरस की छोकरी, वो दोनों को लेके यूँ जा रही थी, एक सिर पे उस पर पत्थर पड़ा ना तो ऐसे ही यानी कि वो नीचे गिर गई, जैसे उसको गिर गई ना उस पर छाट के ना जला के सिलगा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर ना नामे सौगंध लो चुके कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। हूँ भारत ना सार्वभौमत्वनो अने अखंडतानो समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना मंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात राग के द्वास विना तमाम लोको साथे संविधान अने कायदा अनुसार न्यायपूर्वक वर्तीश। मैं तो मानता हूं कि ये यूनिक है कि पार्टी ने निर्णय किया कि गोधरा की बात नहीं करेंगे और नहीं की। गोधरा कोई भूल नहीं सकता, लेकिन किसी ने गोधरा का नाम भी नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। मैं इतनी मीटिंग्स एड्रेस की एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट। इट्स रिमार्केबल। मैं स्पष्ट मानता हूं कि गवर्नमेंट सुरक्षा देनी चाहिए। रेलवे इज अ गवर्नमेंट बॉडी, इट वॉज ड्यूटी ऑफ द रेलवे। मारी वाइफ शी हैड गॉन टू अयोध्या, मेरी वाइफ को हानि हो गई, बर्न हो गई गुजरात रेलवे के बर्निंग कोच में। मेरी बॉडी आया इधर का लोग आए, हिंदू आए थे, बॉबड़े आए थे, खोजा बॉबड़न आए थे, ख्रिस्ती आए थे, सब लोग आए थे। तो वो क्या करता था, दे आर वीपिंग, सब लोग रो रहे थे। ये जो गोधरा में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में चुनाव में बहुत प्रचार हुआ। वो प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी और हम तो खिलाफ है, वो प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म को पॉलिटिक्स में घुसा देना, मिला देना और सब जो होता है लोग मरने वाले मर जावे और हमको तो पार्टी में खुद गद्दी मिल जावे। अरे तुम लड़ो, हमको क्यों मारते हो, हमको तो इलेक्शन ही अच्छा नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, जुआ होता है। 5 लाख खर्च कर दिया, आया और बाद में 5 करोड़ रिकवर कर लिया, कोई भी पक्ष आवे हमारे लिए तो एक काम का ही नहीं है। लोगों को भाजपा से बहुत आशाएं थी। देखो ये भाजपा ये जो है ने पीपल को बायस करते हैं। रिलीजन जो है धर्म उसको राजकारण के साथ मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो करना ही नहीं चाहिए। वो करने से ही अपनी ये मुसीबत हमारी खड़ी हो गई है। जब अश्विन भाई खुद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा में आए तब आपने उसका विरोध नहीं किया? वो ऐसा है कि वो मानता था कि विश्व हिंदू परिषद का काम करना चाहिए, वो मानता था कि बीजेपी का काम करना चाहिए, पर मैंने तो पहले से बता दिया था बेटा ये बराबर नहीं है, हा? मगर क्या है कि ग्लोब बॉयज है, हा? तो वो करते थे, मर गया, बस हो गया। 2000 का इधर मार दिया, 2 आदमी को मारने के लिए 2000 आदमी, ये एडवांस प्लानिंग बिना हो ही नहीं सकता है।
मेरा सन था, 42 साल की उम्र थी, वो फैक्ट्री में नौकरी करता था इलेक्ट्रिशियन की जगह पर, उसको 5,500 रुपया पगार मिलता था। मेरा पेंशन तो कम था और अभी भी कम है, और उसका पेमेंट ज़्यादा था, दो मिलके सब घर चलता था। तो अभी ये 5,000 का हर महीने हमको घाटा पड़ता है, आप समझते हो। ये चलाना है, पूरक आवक जो हमको मांगती थी वो तो चली गई, कौन देगा। तो वो तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे। तो अभी विश्व हिंदू परिषद हमारी ये फाइल नहीं रख सकते तो वो पैसा क्या देगी, सबको प्यादा बनाएगा, आप समझते हैं प्यादा। है शतरंज में, चेस में पहले प्यादा लगाते हैं तो सबको प्यादा बनाते हैं लोग। जब शिकस्त आती है तो राजा इधर उधर भागता है, मगर पहले तो प्यादे लोग तो मर जाता ही है तो ये लोग सब प्यादा बनाते हैं पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। कौन लोग बनाते हैं प्यादा? कौन पॉलिटिकल पीपल्स, कौन कौन से लोग हैं? कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस आवे, विश्व हिंदू परिषद आवे, और दूसरी आवे, मुस्लिम लीग आवे, कोई भी आवे, वो तो लोग को प्यादा बनाती है। ऐसी सरकार हमको नहीं मांगता है। पहले तो हमने देखा हुआ है यहाँ पे पूरा मैदान था, कुछ था ही नहीं, और जो रायट्स हुए सिटी में तो मुस्लिम लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आके रहने लगे, क्योंकि सिटी में उनको भी बहुत तकलीफ होती थी। तो इस एरिया को आप लोग बॉर्डर क्यों बोलते हैं? बॉर्डर हम नहीं लोग बोलते, क्योंकि सब अखबार वालों ने बताया हुआ है। सेंसिटिव इसके लिए मानते हैं कि का लड़के यहाँ तक नज़दीक तक आ जाते हैं उनके, और इधर से नज़दीक तक आ जाए तो सामने पत्थरबाजी हो जाती है तो सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कोई भी जगह पर टेंशन होता है तो यहाँ पर टेंशन हो जाता है। किस तरह का टेंशन माने कि दोनों लोग रात को जागने लगते हैं। क्यों जागना पड़ता है? जागना तो पड़ेगा यार, आदमी का जीव बचाना है तो नहीं जागना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ अक्षरधाम के टाइम, कुछ लोगों ने यहाँ बुआ बूम शुरू कर दी कि वो लोग आ रहे हैं मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सब इकट्ठा हो गए, चलो पेट्रोल बम बनाते ये करते। वो तो जब टेंशन था गुदरा का उस टाइम पे, वो तो दोनों आमने सामने से चले थे। क्या बॉम्ब है ये? पेट्रोल बॉम्ब है। 4 महीने तक हमने रात भर हम कोई सोए नहीं है, जो भी भाई खड़े इवन बच्चे भी 2-2 बजे तक रात को जगते थे मेरे साथ। उनके मन में भी ये अभी बचपन में आ गया ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, उसको मारना चाहिए ये वो। और कुछ हद तक सही है, बच्चे भी थोड़े पावरफुल तो हो, यहाँ अगर जुहापुरा के नज़दीक रहना है तो कुछ पावरफुल तो होना मांगता है, वरना पूरी सोसाइटी खाली करके भाग जाओ, जैसे सिटी एरिया में हुआ है दरियापुर कालूपुर में, हिंदूज कम्युनिटी ख़त्म हो गई, मकान बेच बेच के जा रहा है, तो वहाँ पर सब पूरा मुस्लिम इलाका हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो गुजरात में तो कैसा है, अभी यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो पूरे गुजरात में चालू हो जाएगा, अभी यहाँ पे हम पत्थरमारी चालू कर देंगे तो सिटी में हो जाएगा, सिटी में होगा तो बरोड़े में हो जाएगा, बरोड़े में हो जाएगा तो सब जगह चालू हो जाएगा। वो तो जब हिंसा जो होती है ना तो किसी को मगर नहीं होता है, जब थोड़ा इकट्ठा हो जाता है एंड देन देयर आर क्राउड, तो कोई एक किसी की बात नहीं सुनता है। ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि अब खत्म हो गया? अब खत्म हो गया। आपको लगता है कि मुस्लिम साइड में भी उनको अब ऐसी कोई भावना नहीं है, सब सेफ्टी महसूस करते हैं? डेफिनेटली मेजोरिटी ऑफ द पीपल बिलीव्स कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने से भी हो सकता है ऐसा, इसलिए ऐसा बड़ा झगड़ा होने की शक्यता बहुत कम है, जैसा फरवरी में। मतलब पूरा प्लान था, अभी बोलते हैं ये कि पूरा जगह पूरा साफ कर देना है। आज भी बैग वगैरह, बोतल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आज तक पड़ा हुआ है ऊपर, एसिड वगैरह कोई हटाते कोई याद नहीं, पुलिस वुलिस बैठी है पीछे टंकी के ऊपर, अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक पड़ा है, थैले वेले सब अभी भी पड़े हैं। आपको कैसे पता? बताया था वहाँ पुलिस वालों ने उठा। आप लोगों ने जाके देखा? हमने यहाँ से नीचे से देखा था। तो हमले के टाइम पे तुम भी यहाँ पे थे? हाँ,
ये सब यही रहते हैं। क्या देखा? कहाँ से हमला हो रहा था बताओ? यहाँ पे एक दिन को लेके टांकी पे हमला होता था, पत्थर मारते ले, चलिए फेंकते ले ना, सब करते ले, बांडिया ने कार्य बोलते ले, बांडिया शैतान नहीं वो लगा दिला, वो टेप लगा दिला, टेप रात को लगा दिला। क्या टेप लगा? कई दिनों तक हम लोग को ये तकलीफें झेलना पड़ी। हम लोग आते थे कितनी कितनी गंदी गाली देते थे, कोर्ट पे चढ़ के कपड़े उतार देते, नंगे हो जाते थे, नंगे हो जाते, और बोलते थे इधर रहने का नहीं, चलो इधर से जाओ, हमारी जान जान लड़कियों को छेड़ते थे, कितनी बदतमीजी करते थे ये सामने वाली बिल्डिंगों से। हाँ, पूरे नंगे हो जाते, कितना कपड़े से उतार उतार के खड़े हो जाते थे ये तार पे। ये तो कोर्ट अभी ऊँचा करा दिया, जब तो इतना ऊँचा भी नहीं था। इतनी सारी लाइट का बंदोबस्त करा था ना यहाँ पर कि रात को अगर आप एक सुई फेंक दो ना तो आपको सुई मिल जाओ। कहाँ पे लाइट लगाई? ये देखो ना आप, ये सब ये लगे ली, वो सामने दीवारों पे भी रखी हुई थी, मैच में जैसा लगाते हैं ना लाइट जैसा होता है ना। तो हैलोजन लगा के फायदा क्या होता है? यहाँ का आदमी दिखे ना गोली मारते फावे उसको सामने। वहाँ से हमने देखा था कि करीबन यहाँ से 150 मीटर पीछे सब तलवारें लेके करीबन 400-500 आदमी खड़े हुए थे क्योंकि दिन में चमक रही थी इस एरिया में। पास में वो लोग भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको भी डर था, हेलोजन लाइट्स लगी हुई थी तो उनको भी डर था कि पत्थर उनपे भी पड़ सकते हैं। तो चंद भाई, आप बॉर्डर के इस तरफ रहते हो, ये बॉर्डर के दूसरी तरफ रहते हैं, इन्होंने खुद चमकती हुई तलवारें देखी हैं इधर? ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो, सामी वाले आए थे तो सब पुलिस ये लोगों को दे रही थी साथ, पूरे के पूरे फ्लैट भरे हुए थे, पूरा ढाबा चिक्कार भरा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि सब जो है आपकी तरफ से हुआ, बताइए। दोनों तरफ से हुआ पत्थरबाजी, इसमें कोई दोनों तरफ से हुआ। पहले एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले उन्होंने किया जी, पहले मुसलमान साइड से आया। अब ये पत्थरबाजी एक ऐसी चीज है, एक भी पत्थर चलेगा तो पूरा चालू हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते कि इनसे चालू हुआ कि हमारी तरफ से चालू हुआ। ये पूरा बाहर के लोग ही आए थे और उन्होंने किया। बाहर के इंसान को क्यों चलने देते हूं मैं? मैं तो कहता हूं आप तो यहां की बात कर रहे हो, लोग पाकिस्तान से आके दंगा करवाते हैं, उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? अरे जो करते हैं उनको पकड़ो ना। कहां से पकड़ेंगे भैया हम? हम क्यों पकड़ेंगे उसको? आप सपोर्ट नहीं करो वो तो हम तो हम काय को सपोर्ट देंगे? हम तो खुद इसके खिलाफ है। अभी अगर हम चाहो एक पत्थर भी मारो तो पुलिस तुरंत ही आके यहाँ पे हाथ टाटे तोड़ नाखेगी या ले भी जाएगी डब्बे में। दूसरी तरफ क्यों नहीं कहते कि जब पुलिस कॉम्बिंग के लिए आती है तो सारे हथियार क्यों नहीं सौंप देते, क्यों उनको रोकता जाता? अगर जो हथियार होते तो हमारी सोसाइटी जलती। आप ये एक सोचो कि अगर जो हमारे पास हथियार होते तो तुम्हारा टोला के टोला ऐसे कैसे हम जला के चले जाते? गोदराकांड इतनी बड़ी घटना था, उसका रिएक्शन तो होना ही था। एक आध दो आदमी मरे, पूरी बोगी की बोगी जल जाए वो बहुत बड़ी घटना। बराबर है, बोगी जल जाए और वो बोगी का रिएक्शन पूरे गुजरात में नहीं होना चाहिए, गुजरात गांव में ही होना चाहिए। आपका कहना सही है पर होता है ऐसा, हर जगह होता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों पे रिएक्शन होगा, वो तो होता ही है, बच्चों पे आने वाली नस्ल पे रिएक्शन होगा। वही एजुकेशन मेन चीज है, एजुकेशन नहीं है। और जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो सवाल ही नहीं। आज ये विश्व हिंदू परिषद भी हम कैंप्स चलाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके मगज में बच्चों के जहन में कुछ डालते हैं तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, हमारा मानना ऐसा है। वो डालते हैं पर वो दिमाग हमारे उसमें इतना तरह से नहीं घुसता है। किस तरह से घुसता है? हमारा दिमाग अपना तरक्की में ही लगा रहे। मुस्लिम में एजुकेशन है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, नहीं देता कोई। पहले सबसे पहले नाम पूछते हैं एम क्लास, मुसलमान निकाल दो। उसको जरूरत ही नहीं है मुसलमान, रिक्शा चला रहा है, कोई की मदद ही नहीं है। एच क्लास हो तो बराबर। एच क्लास मतलब हिंदू क्लास। घटना जो हुई है वो सच्चाई है पर इसको कैसे इनके माता पिता रिएक्ट करते हैं ये इनके ऊपर सोचना है। माता पिता रहे ही नहीं तो फिर उसको बच्चे को कौन संभालेगा? I am coming from Don Bosco English School. तो आपने Don Bosco क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहाँ पर पूरी हिंदू की बस्ती थी और बीच में हमारी स्कूल थी। दंगे में हमको वहाँ पर बहुत डर लगता था और जाने के लिए और कोई रिक्शा में से ले जाए और बहुत डर लगता था। और रास्ते में बिल्कुल हिंदू इलाका पड़ता था और बॉर्डर के बिल्कुल उस पार था। तो स्कूल छोड़ने के बाद से तुम कभी बॉर्डर गई हो?
क्लास से कनस में डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल से आया हूँ और मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तुमने डॉन बॉस्को स्कूल क्यों छोड़ दिया? क्या वो हिंदू का आइडिया था? स्कूल वालों ने बोला छोड़ने को कि तुमने खुद छोड़ दिया? स्कूल वालों ने बोला। क्या बोला? कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसको बोला? तुमको? पेरेंट्स। क्या बोला उन्होंने बुला के? तुम अपने बच्चे को यहाँ से उठा लो। उन्होंने बताया रीजन? कोई बताया क्यों? बच्चे 350-400 छोड़ करके चले गए हैं, वो बच्चे इस तरीके के थे कि उनका कुछ पढ़ने लिखने में कोई उतना ध्यान नहीं था। हम बहुत सालों से उनको जो कि कैरी करते चले गए। जितने बच्चे चले गए उनकी जगह पर जो बाकी बच्चे आए, स्ट्रेंथ तो ज़रूर हमारे स्कूल की थोड़ी कम हुई, मगर जितने बच्चे हमने और एडमिट किए स्कूल में वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे हैं। और उससे ये हुआ कि उन लोगों का मेन एम ये था कि किसी तरीके से बस टेंथ पास हो जाए, उसके बाद कोई अपना जो कि है पेंटिंग वेंटिंग का कुछ ऐसा काम जो भी कर रहे हैं। लोग भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे छोड़ के चले गए वो वापस? नहीं, हम क्यों कोशिश करें। फ्रॉम डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहूँगा। मैं बड़ा होकर सिविल इंजीनियर बनूँगा। मैं बड़ा होकर DSP बनना चाहूँगा। क्यों? मेरे पापा ने बोला कि बड़ा होकर DSP बनने की फिर मुसलमान की मदद करना। मैं ऐसा नंबर फोन पे सर आपको सुन रही हूँ, ओके? लेट मी नो आपको कितना आता है अभी तक, है ना? कि पढ़ा भी है या सब ऊपर से गया है? Why was Lakshman ready to go with his brother in forest? Madam, yes, ma'am, please. No, don't shout, madam. एक मिनट, not like this. Yes, Sharma. क्योंकि इसके मदर ने कहा था कि तुम जाके श्री राम का साथ दो। सही है भाई, शाहरुख बोल रहे हैं। उनकी मम्मी ने कहा था कि श्री राम का साथ दो, क्या उनकी इच्छा से गए थे? उसने यूँ बोला कि भाई, मेरा भाई जंगल में जाएगा, मैं महल में, मुझे भी छोड़ के जाना चाहिए। वेरी गुड। हाउ मेनी बीइंग्स इन दर्शक है? यस यू टीचर जी। क्या नाम से उनके तीनों के? वेट, नोबडी विल आंसर। यस परवेज आलम, टीचर कौशलिया, सुमित्रा एंड केतु। वेरी गुड, एग्जैक्टली। हाउ मेनी सन? फाइव। मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। 1972 में मैंने वहाँ PhD ख़त्म की। सब्जेक्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स में। जब मैंने PhD ख़त्म की, वो सब्जेक्ट ही ऐसा था कि पाकिस्तान से भी मुझे एक ऑफ़र आई थी कि आप वहाँ आइए, हम आपके लिए एक अच्छा पोजीशन दे देंगे। उस वक्त मैंने जवाब दिया था कि नहीं, आई एम एन इंडियन और मैं इंडिया ही जाऊँगा मेरे देश के लिए। तब से मेरी सारी लाइफ 30 साल से पूरी सेक्युलर रही है। PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बड़ौदा की कितनी संस्थाएँ के साथ, सेक्युलर संस्थाएँ के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और इवन RSS को भी जब पॉइंट्स ज़रूर पड़ती थी तो मेरे पास आते थे। मेरे पास आए थे कि आप सावरकर के ऊपर एक व्याख्यान दो। मैं वहाँ गया भी, स्पीच अच्छी गई। अंत में मैंने एक ही सेंटेंस कहा जो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा हो। मैंने उनसे कहा कि देश के सामने दो रास्ते, एक गांधी का, एक सावरकर का। अगर हमें देश को मजबूत करना हो, स्ट्रेंथन करना हो, तो हमें गांधी के रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। कम नसीब यह हो गई कि मैंने जो ये स्पीच हुई सावरकर की, वो तो फरवरी 26 को हुई रात को।
और 12 घंटे के बाद ये गोधरा की घटनाएं हो गई। हमने इमीडिएटली ये कंडेम किया कि गलत हुआ है। फिर भी दूसरे दिन 28 तारीख को बड़ौदा में सबसे पहले मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। और दुख की बात ये है कि ये ऑर्गेनाइज करने वाले भी वही थे जिन्होंने मुझे दावत दी थी वो लेक्चर देने के लिए, एंड ब्रांडेड मी एज अ जिहादी। तो फिर मेरे पास आए क्यों? इमीडिएटली आई गॉट इन टच विद द VHP एंड वी आर RSS पीपल। मुझे ये कहने में आया कि साहब ये तो मिस्टेक हो गई है और आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे मेरे ऊपर मोर ऑर्गेनाइज हमला हुआ। और देखने की दुख की बात यह है कि पुलिस ने मेरे घर पे 2 पुलिस वाले भी रखे थे। पुलिस ने उनको बोला पीछे से जाओ, हम आगे करे हैं। तो पीछे से पूरा मॉब 200 जन का मॉब आया और घर के अंदर घुस के सब कुछ रैंसैक कर दिया। मैं कैसे बच गया इवन आई डोंट नो। जस्ट 2 मिनट्स बिफोर दैट आई जस्ट लेफ्ट द हाउस, पर मेरी बेटी तो अंदर ही थी। आई सॉ दैट जो लोग हमला करने आए थे वो सिर्फ 20-21 ईयर्स ओल्ड लड़के थे। उनमें बहुत ही गुस्सा था। इट वॉज एक्चुअली ओनली 15 मिनट्स, खाली 15 मिनट में सब कुछ टूट गया। जो उनको करना था वो हो गया था। पापा का रूम, 2 रूम को जला दिया था। सो उनको जो करना था वो सिर्फ 15 मिनट में करके वो बाहर आ गए थे। 3-4 महीने पहले ही माय वाइफ हैड डाइड ऑफ कैंसर इन दैट सेम हाउस। सो और फिर ये जो लूटपाट हुई ना, तो मेरी वाइफ की जितनी चीज़ें थी वो सब उन्होंने लूट ली। दूसरा कि ये जब सारी घटनाएं हुई ना, उसके बाद पड़ोसी और काफ़ी अंगद मित्र, उनका सारा बिहेवियर चेंज हो गया। आई मीन ऐसे भी पड़ोसी थे मेरे पास जो हर बार मेरे वहाँ आते थे और कहते थे कि हम आपके दर्शन नहीं करते ना तो अच्छा नहीं लगता। और वही पड़ोसी जैसा ये घटनाएं हुई ने, तो उन्होंने बिल्कुल मुंह फिरा दिया। आज तक मेरे वहाँ नहीं आए मिलने के लिए। मैं मिलने के लिए आज तक नहीं आए। दैट रियली पेन्स कि ये सालों 20-30 साल के जो संबंध थे उसके ऊपर उन्होंने पानी फिरा दिया। ऑन माई साइड आई कैन मैं इतना ही कह सकूँ कि मेरे फ्यूचर दामाद इज़ अ हिंदू जेंटलमैन जो आज फॉरेन में पढ़ रहा है। और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ये जो रिश्ता तोड़ना चाहिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाउ ही इज़ इन USA एंड आई प्लान टू गो देयर एंड बी विद हिम। हैप्पी कि आप ये सब छोड़ के अमेरिका जा रही हैं? राइट नाउ आई फील कि यहाँ आई होप मेरा आई यहाँ से बस आगे जाना है। सो माई डैड इज सच अ स्ट्रॉन्ग लेवल हेडेड पर्सन दैट उनको कुछ होता ही नहीं है। आई डोंट फील वेरी वरीड फॉर हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। इट्स वेरी इजी टू हर्ट हिम। उसके बाद There were many threats. किस तरह के threats? Many death threat was the major one, and there are many different threats like they are अभी writing बंद करो नहीं तो देखते देखना क्या हो जाएगा, घर तो तोड़ डाला अभी देखना ज़्यादा भी कर देंगे। मगर now the attitude that we have is that they've taken away everything, so now we are free, we can do what we want. तो इस एरिया का नाम क्या है? Sharma. एंड जो सोसाइटी में हम रहते थे दैट इज नोन एज कृष्णा कृपा। दिस हाउस ऑल्सो गॉट बर्न वेरी बैड एंड दिस इज माय हाउस। हाउ लॉन्ग हैज द कंस्ट्रक्शन बीन गोइंग ऑन हियर? सिंस जनवरी से सब कुछ टूट गया। अभी भी मैं वही सोच रही थी कि मेरा बेडरूम का है, मेरा किचन का है, मेरा स्टोर रूम का है, एवरीथिंग इज गॉन।
ये अभी मेरा नहीं है। डैड तो कभी यहाँ पे नहीं आया? नहीं, खाली एक ही बार आए थे क्योंकि जानना था कि सच्ची घर इतनी खराब रही टूट गया है कि वापस नहीं आ सकेंगे। और फिर जब उन्हें पहला हमारू घर है तो आप कौन है? Yeah, I was saying that Papa had never seen ये घर को देखा ही नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि कितना सारा लॉस हुआ है। उनको ऐसा ही था कि नहीं, वापस हम वो घर को रिपेयर करके यही घर में रहेंगे। और जब उनने घर देखा ही रियलाइज के ये घर को बेचना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर सीइंग द हाउस ही हैड जस्ट कम फॉर हाफ एन आवर, उन्होंने डिसीजन लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम मीन्स फोटोग्राफी की अलाउड नहीं है। तो आप इसका इश्यू क्यों बना रहे हो? ये मेरा ड्राइंग रूम है, गरीबी तोड़ डाला, बस टूट गया पूरा के पूरा घर जो इतना अच्छा था ना, पूरा के पूरा तोड़ डाला। आई डोंट नो फॉर कुछ भी नहीं था। आज तक हम जानते नहीं है कि गोधरा में क्या हुआ। गोधरा की केस स्टडी करने के लिए जस्टिस नानावती को निमा गया था, पर वहाँ भी तो बिल्कुल वाइट वॉशिंग हो रहा है। अभी द होल कमीशन इज ऑपरेटिंग ऐसी तरह से ऑपरेट कर रहा है कि हमें बिल्कुल इसके ऊपर भरोसा नहीं आता। आज नरोदा पाटिया में जो हुआ, गुलबर्ग सोसाइटी में जो हुआ, थ्रू आउट गुजरात में अपने अंदाज से 2000 निर्दोष मुसलमान मारे गए, ऐसी स्थिति के अंदर अब तक एक भी केस हुआ नहीं है, किसी को भी सजा नहीं हुई है। केस FIR भी बिल्कुल वीक हो गए। और दुख की बात यह है कि जो चीज़ सोमनाथ को जैसे हिंदूज याद करते हैं, मोहम्मद गजनी को याद करते हैं, जो यहाँ हुआ नरेंद्र मोदी ने किया और गुजरात, ये 100 साल के बाद भी मुसलमान तो ये भूल नहीं सकेंगे। और ये सारी चीज़ें क्यों की? सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए? इट इज़ अ परमानेंट डैमेज इट लुक्स लाइक। अरे दाहिने चलेगा, दाहिने घुड़ा, एक दो तीन आगे बढ़ेगा, बाएं घुड़ा, एक दो तीन अरे आगे बढ़ेगा, दाहिने घुड़ा, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार। तो आपको ये सीखने का शौक कब से हुआ? देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्टार्ट इससे किया। मुझे ये सब कुछ आता है तो अपनी खुद की राइफल लेके करूँगी, अपने पर एक्शन होगा तो सामने से कैसे रक्षण करना, वो मैं इसको कैसे करूँगी, वो मुझे आ सकता है, मैं कर सकती हूँ इतना। ओके ओके। हम दोनों भाई बहन, हमारे घर के पीछे तूफान हुआ था, इसमें हम कुछ नहीं कर सके इसके, क्योंकि हम छोटे हैं। अब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस वाली राइफल होगी, तो हम अपने बचाव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। कैसे बचाव करेंगे? कोई आगे सामने आ गया या हथियारा हमको मारने वाला तो हम उसको मार देंगे। आपका नाम? तुषार दवे। तुषार, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बन के आप लोगों को बचाओगे? एक तरह से भगवान कहलाऊंगा ना।
कबूतर बाजू में कोई दिन मगजमारी है नहीं, ये कबूतर बाजू में एकता ही रहती है। जब से कबूतर वाले हैं तब से सब एकता ही है अंदर, इसमें कोई जात की धमाल हुई नहीं है, सब मिलजुल के ही रहते हैं। आपके उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद मनसुख उस्ताद है और उनके उस्ताद वल्ली उस्ताद है और उनके उस्ताद है कई उस्ताद है। अच्छा, कई उस्ताद। ये जो इस बार का टूर्नामेंट है इसके पीछे कोई खास आइडिया? इसका खास आइडिया ये है कि जैसे अभी धमाल हुई थी और धमाल की वजह से क्या होगा, लोगों ने सोचा कि मेल महाराज सिंह फिर बढ़े क्या और आपस में हिंदू मुसलमान एक हो के अपना शौक पूरा करें, इसके लिए इन लोगों ने रखा। मालिक का बहुत अच्छा कर्म हुआ कि हमारा जैसा ये टूर्नामेंट हमने रखे थे वो हमारा सक्सेस, हमको बहुत खुशी है कि और हमारा इखलाक में बस पहले जैसा ही है, कौम वहाँ से हमको कोई लेना देना कोई भेदभाव हमारे में नहीं है, हमारा व्यवहार आज भी वो सही हैगा जैसा हम पहले थे। धमाल के पहले भी हम ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, बाजार में ही मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं और कबूतरबाजी का हाल चल है ना, रोज़ शाम को हमारे पास बैठक होती है बापू नगर अमन चौक के अंदर बैठक होती है हमारी। तो ये टाइम जो फसाद हुआ उसमें कबूतरबाजों का कबूतरों का भी बहुत नुकसान हुआ क्या? कबूतरों का तो इतना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो गया। कबूतर अच्छे अच्छे जानवर जो उड़ती के थे, दो साल तीन साल जूने जानवर, वो हमारे जल के मर गए और लोगों ने क्या करा, केरोसिन ला के पिंजरे में आग लगा दिए, लोगों ने लेके चले गए पर काट के, कितने भाई ऐसे जो काट काट के खा गए, वो हिसाब से हमको अभी जो अब हमारे दो साल जो गुजरेंगे उसके बाद हमारा शौक अच्छा हो जाएगा। जो अभी ये कम उड़े हैं, अभी नीनी के बच्चे लेके हम उड़ाएंगे तो ये कबूतर जो हमारे जूने कबूतर ये आती साल अच्छे आएंगे। अगर तुम्हें कभी भाई का सीखना है तो कबूतरबाजी में आओ क्या। दुकान 35 साल से। तो अभी ये जो पूरा तूफान वगैरह उसके बाद भी क्या असर पड़ा? उसके बाद 25% हो गया बिजनेस, मार्केट में जो लोकल पब्लिक ही दिखती है, बाहर गांव का कोई दिखता नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए? सोल्यूशन क्या है कि भाई जो ये तो चलता ही रहेगा, जो पब्लिक के अंदर डाल दिया है ये गवर्नमेंट ने, ऐसा गवर्नमेंट भाजपा आने से ये हुआ है, सब तकलीफें इससे हुई है। इस देश को लोकशाही बोलो ही मत, पूरे हिंदुस्तान में लोकशाही है ही नहीं, ये तो पता ही चलता है क्या है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। हर किसी को टर्नओवर की ज़रूरत होती है, किसी को भी। आज समझ लो हम हैं, हमको शाम तक कलेक्शन हो जाता है तो समझ लो हम व्यवहार चला सकते हैं, लेकिन जो माहौल के अंदर जो चार छः महीने गए उसके अंदर जो दिक्कत हुई वो तो फिर हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, छोटे को छोटे की रिश्ते, बड़े को बड़े की रिश्ते। मार्केट में मेरा काफ़ी 50 साल का लगभग तजुर्बा है, तो बहुत क्राइसिस चल रहा है ना अभी, उसकी कई मिसालें ऐसे कई आत्महत्या हुई है और लोग अभी भी इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि अपना जो कर्जा जो तूफान के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ उसको रिकवर कर नहीं पा रहे, तो लेन देन के ऊपर काफ़ी असर पड़ी है, बिजनेस काफ़ी टूट चुके हैं, करीब करीब 70% बिजनेस को नुकसान इस वक्त चल रहा है। हाँ, बिजनेस टूटे हुए हैं, बिजनेस के ऊपर कोई ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं, बिजनेस को तो लॉस चल रहा है, वरना इस टाइम पे कारोबार का ऐसा माहौल रहता था कि बाजार भरे हुए रहते थे और कारोबार खूब रहता था। मैं ऐसे भी सुना कि बाहर के व्यापारी जो गुजरात जी के व्यापारी वो माल सप्लाई करने में आना खाने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बस इसी वजह से जो पिछले 8 महीने से दंगे हुए और जो पैसा फंसा हुआ वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है और उम्मीद नहीं क्योंकि वातावरण अभी भी इतना अच्छा नहीं है, आए दिन मतलब भड़काऊ भाषण होते हैं, उसी वजह से लोगों में दहशत बनी हुई कि भाई अपना पैसे का मतलब आगे तो बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान भुगतने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। हम लोगों को उसका कड़वा अनुभव होता है, हम लोग माल के लिए डिमांड करते हैं भाई पिछला भागे, वो लोग बोले आप पिछला रहने दीजिए पर कम से कम नया भी लाओ तो केस लेके जाओ, ये उन लोगों का मांग।
आपका नाम? मरियम बीबी। मेरे शहीद वाले छोकरा का नाम मुहिउद्दीन। अपंग था, पांव से अपंग था। वो भी तो अपंग बच्चे को भी तो छोड़ा नहीं लोग को, वो तो दया नहीं आया उनको। अब क्या बोलने का, अब तुम्हारा एक बच्चा गया तो तुमको कितना दर्द होगा, होगा नहीं होगा। सबर करके बैठी हूँ। बकरी आपकी है क्या? मेरी। क्या नाम दिया? नाम रखा है कुछ? सर, मैं वेरू। उठ जा सर, उठ जा। मेरा तीन बकरियां थी, तो बड़ी बड़ी बकरियां है सब पाड़ा दे सब, तो तीनों बियाना को तैयारी थी। वो भी बकरी हमारे को नहीं मिला भाई, सब बच्चों के साथ वो बकरियां भी गई। अभी आप गुजर बसर कैसे करते? कुछ धंधा पानी है नहीं है भैया। यहाँ गल्ला था, गल्ला भी तो जला दिया उन लोगों ने, उनको गल्ला भी नहीं दिया। अभी कैसा गुजारा चलता हमारा मन जानता है। दस दस इंसान है इतना खाना वाला, माल सब लाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सब एक है। हिंदू मुस्लिम की अब जो प्रॉब्लम है, इसका कोई फाइनल सोल्यूशन है? वो खत्म, जो शुरुआत किया वही खत्म कर सकते हैं। जिसने शुरुआत किया वही खत्म कर सकते हैं। उनको करना नहीं है, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मैं मानता हूँ वहाँ तक ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि इतने सारे मुसलमानों को ये खत्म कर सकेंगे? जो जो मोमेडल लोग जो हैं वो इधर रहते हैं, मगर वो पाकिस्तान के इशारे से चलते हैं और अपने को हैरान करते हैं। तो इसीलिए सब लोग को सब ऐसे तूफान हुआ, वो ट्रेन जलाई, वो सब किया, तो इसे सब लोग नाराज हैं कि अपने देश में रहना और अपना खाना और अपने को नुकसान करने का वो कैसी बात चलती है। इस समय वो बहुत जड़बा तोड़ जवाब दे दिया अपने हिंदू लोगों ने। 25% है, 75% उसकी हिम्मत कट गई है। उससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। उसको तो यहाँ भरा, यहाँ तो पहले तो हम ऐसे इससे है कि गुजरात छोड़ना पड़ेगा उसको, वो बाद में वो सारे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम की जो समस्या है, इतने बड़े समाज हम नहीं चाहते कि वो शिफ्ट हुए पाकिस्तान जाएं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ ही रहें। मगर ये जो 12-14-15 crore हैं, अपन 85-90 crore हैं हिंदू, तो एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों एक ही परिवार में साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं। यही मानसिकता पैदा करें मुसलमान के भाई, हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई के साथ उनका सम्मान करें और सम्मान से रहें। मुसलमान अलग नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वस्य चाहम रदि सन्निविष्टो मामे वंशो जीव लोके। तो ऐसे तो UN संघ ने भी कहा है कि गॉड इज विथ मी, इन गॉड वी ट्रस्ट, यू कैन सी बट आई कैन नॉट सी, सी द फैक्ट एंड द फैक्ट विल सी द वे, बट ट्राई एंड ट्राई लास्ट टू बी सक्सेस। बराबर। ये हिंदुस्तान में 23,000 कौम रहती है, कितनी? 23,000, हर में एक ही भगवान है। लेकिन नहीं, ये जो कुछ दुनिया है, दुनिया वाले दाढ़ी नहीं रखते तो हम दाढ़ी करके अलग दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं। हर जगह पे एक हमारा ही धर्म महान है, बस हम करें हम कहे वही होना चाहिए। धार्मिक जुनून मुस्लिमों में ज्यादा है, जो कट्टरवाद एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो ज्यादा है। हाँ, वो कैसे खत्म हो सकता है? वो हो सकता है लिटरेसी और क्या कहे, सामाजिक जागरूकता, पेट्रियोटिज्म। हिंदू संगठन ना दर्शन करावी, हिंदू युवान भाई, दरेक युवान आज ना तबके एक मैसेज ले जाए के हिंदू भाई जैसुदी हिंदू ने रिक्शा हो, हिंदू ने रिक्शा ना उपयोग करे, हिंदू भाई हिंदू दुकान ने उपयोग करे, अने गमेवा कपड़ा संजोगों ने अंदर
ત્યારે જયશ્રામનો સ્ટીકર આવે ત્યારે સ્ટીકરને પોતાની રિક્ષા ઉપર, પોતાની જીપ ઉપર અને દુકાનવાળા વડીલો એ દુકાન ઉપર ભગવી ઝંડી લગાવે, આ મેસેજ લઈ જાય ગામડા ગામડા સુધી. सभा उनकी खत्म हुई और पावागढ़ वापस जाने के लिए जब प्रहलाद शास्त्री यहाँ से निकला मेन रोड से कम 50 गाड़ियां लेके वो लोग वापस जा रहे थे, तो मुसलमानों के इलाके में से जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए, बहुत गाली गलौज करते थे. नौजवान बच्चे जब हद से बाहर हो गए तो उन लोगों ने पत्थर मारे उनको. जो जवान लोग हैं उनको संभालने में भी आपको दिक्कत हो रही है? बहुत ही दिक्कत, यानी कि अभी जो 10 महीने तक भाव मुसीबत से समझाया और जिस रोज उन लोगों ने पत्थर मारा किया उस दिन हम लोगों को उठा के लोग ले गए थे कि बस अब आपका वक्त पूरा हो चुका है, आप लोग चले जाइए यहाँ से, और अब जब भी यहाँ पे कुछ होगा तो हम नहीं या वो नहीं. तो उस दिन तो हम भी कंट्रोल नहीं कर सके थे, और आज भी पोजिशन ऐसी है कि एक ऐसा दबा हुआ दबी हुई ऐसी चिंगारी है, कुछ भी हो सकता है कभी भी. मेरा नाम अब्दुल रसूल मोहम्मद भाई, मैं बच्चों में सेठ में तीसरी पाली में काम करता हूँ. 11 से 7 बजे की ड्यूटी है अपने रात नाइट में, तो अचानक ऐसा जो हमारे ऊपर हमला हो गया. क्या हुआ आपको? पहले मैं सीधा ही काम पे जा रहा था तो पीछे से जो मार पड़ गई, ईट से जो मारते साथ ही मैं ऊंधा गिर गया. ऊंधा गिर के जो उठ के खड़े रह के देखता तो कोई भी दिखता नहीं. कहाँ चोट लगी आपको? ये सिर में लगी, 3 टाँग का है. कल भी ऐसा बनो बनाना, कल 7:30 बजे का. क्या हुआ? अभी कोई आदमी को वहाँ पे हमारे जवान छूकर को मार लिए. कहाँ पे हुआ है? वही जगह पे 4 दिन से हो रहा है, ऐसा हो रहा है 4 दिन से. चौकी के सामने हुआ. वो हिंदू एरिया के? हाँ, सामने छाड़ा नगर. ठंडे से जाने के डर लगती तो ये 2 पैसे के पापड़ लेके बैठी. देखो ये अब इसमें क्या पेट भरना, हमारे क्या खाना बताओ. तो बच्चे 7-8 इंसान खाने वाले है, सब लूट लिए, घर का बेघर कर दिए. फिर भी और भी हमारे की इतनी जुल्म करते हैं तभी कर रहे, क्या बताओ. ये तभी इसका करते हो तो साथ में तो कर दो, कोई आग वेग डाल के जला के तो वो तभी तुम्हें दिल की शांति कर लो. नाम तो कर लो, नाम तो कर लो. जो यूं में मरने बैठे ले, यूं में मरने बैठे ले. कुछ नहीं है, सामने सबकी जान ले ली है. तो आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये सब बंद होगा? ये तो बंद नहीं होगा, ये बंद होने वाला नहीं है. वो लोग के पास खुलेआम हथियार है, बांट रहे, सब हो रहा है, और हम लोग के पास कुछ नहीं है तो भी हमारे घर के लड़कों को 2 बजे रात को बेडरूम में घुसकर बिना परमिशन, बिना वारंट घरों में घुस रहे, लड़कों को ले जा रहे, इतना सब टॉर्चर कर रहे, तो ये पॉलिटिक नहीं है तो फिर और क्या है? देखो ये खून के कपड़े, इतना खून जारी था तो हम कैसे बर्दाश्त करें? हमको सरकार क्या सोचना चाहती है, हमको यहाँ रखना चाहते हैं क्या, मारना चाहते हैं, जैसा उसकी उनकी मर्जी करे ऐसा करे. अगर यहाँ से भागोगे तो हम भागने भी तैयार है, और तो क्या करें, कहीं भी जाके बना लेंगे. पार्टी हमको खाली कराने का है तो खाली करा दो ना भैया, हम क्या नहीं करें, हमको खाली करा दो, आके आके खाली करा दो, उसमें क्या है. हमारे मुसलमान, मुसलमान हमारे ही है ना, और किस, ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना. हमारे मुसलमान जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान. जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया था उन लोगों की जड़े हिंदुओं के खून से सींच सींच करके एंटानियो माइनो की कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता के वातावरण को फिर से भड़काना चाहती है और देश के फिर टुकड़े करवाना चाहती है. लेकिन ये गांधी की कांग्रेस नहीं है ना, मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो एंटानियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी की कांग्रेस है, जो वेटिकन सिटी के पोप के इशारों पर सारे देश को इस्लामिस्तान के ईसाईस्तान के रंग में रंग देना चाहती है, और इस्लामी साम्राज्यवाद
और ये क्रिश्चियन साम्राज्यवाद दोनों मिलकर के एक हो गए। यहां पर संसार में 28 देश है मुसलमानों के, संसार में 200 से ज्यादा देश है क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के। अभागो तुम्हारा कौन सा देश है, तुम कहां जाओगे? अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया, नो मोर पटेल्स, और पटेल नहीं चाहिए। तुम बताओ पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या है? तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें। ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो, जो करना है वो कर डालो। जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे और भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते। बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है और ये काम यहां से शुरू करना है। जो तुम यहां आज करोगे कल सारा देश करेगा, पूरे हिंदुस्तान में उसकी नकल होगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम्हारे स्कूल में बाकी बच्चों को ये पता कि वहाँ क्या हुआ? ये लोगों ने तो 3 साल की इतनी खबर है, पर आ लोगों के भी इतना मरे नहीं थी खबर। तुम्हें खबर थी? आपके क्लास में भी कोई मुसलमान बच्ची है? उनका नाम है उम्मेरुमा, और ये मेरी दोस्त थी पहले, पर वो अब नहीं है। क्यों? अब मेरे दोस्त नहीं है, हम खेलते भी नहीं है। क्यों नहीं अभी दोस्त? उसको तो पता ही नहीं है कि राम सेवक को मरवाया है। तुमने बताया? मैंने नहीं बताया। मेरे को छोटा घर बनाता था और फूल बनाता था और गाड़ी। बड़े हुए क्या बनोगे? फौजी खाली, फिर वो लोग का जला। किन लोग? इन दो लोग का। क्यों? वो लोग ने सच के इसके लिए। पर वो लोग ने तो गंदा काम किया ना, तो तुम ऐसा गंदा काम क्यों करोगे? मैं तो मारूंगा ही जोर लगा था। क्यों? जरूर मारूंगा, कोई कहेगा तो भी मारूंगा। सब हिंदू लोग गंदे होते हैं? हाँ? सब हिंदू लोग गंदे होते हैं। गाली बोल बोल करते हैं। क्या गाली? मैं बोलता नहीं गाली, मैं तो खाली बोलता ही हूँ। मैं भी हिंदू हूँ। हाँ? तो मैं तुम्हें गंदा लगता हूँ? तो जब तुम फौजी बन जाओगे तो मुझे छोड़ोगे? छोड़ूंगा। छोड़ दोगे मुझे? मैं कोई के जलाता नहीं हूँ, हम ये लोग को हिंदू को मारूंगा। तो मैं भी तो हिंदू हूँ। मैं हिंदू नहीं लगता?
मैं क्या लगता हूँ तुमको? मुसलमान। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर से घर जो खुदा है नदारत, और मस्जिदों में नहीं है जो ईश्वर, तो फिर आदमी के लिए धर्म क्या है? जहाँ कत्ल करने को उठते है खंजर, खुदा को भी ले लो, ईश्वर को भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। तुम राम ले लो, बाबर भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, मगर तुम हमारे लहू से न खेलो।